साइंस ये कहती है कि जब रात के चावल आपने रात की रोटी रात के उबले हुए आलू अगले दिन खाए तो वो स्टार्च नहीं देते, फाइबर ज्यादा देते हैं। डार्कर वेजिटेबल्स जितने गाढ़े रंग हैं वो उतना आपको फायदा दे रही होती हैं। जो लहसुन है ना उसकी एक डोज ने 80% कैंसर सेल्स को खत्म किया। लोगों के पास बहुत सारे एक्सक्यूजेज हैं बैलेंस डाइट ना फॉलो करने के। जो लाड प्यार होता है ना इसकी टाइप होती है, ये लाड नहीं है कभी भी कि मेरा बच्चा जो है वो हैप्पी है या वो सैड है तो मैं उसे जाके कपकेक ला दूँ, मैं उसको चॉकलेट दे दूँ, दिस इज नॉट प्यार। इतनी नीचे है हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में हेल्थ, जब तक ट्रीटमेंट के काबिल नहीं हो जाते वो आते नहीं है। हेल्थ अथॉरिटीज को खासतौर पर ये चीज़ देखनी चाहिए, जिसे स्कूल के अंदर ऑप्शन ही रख देनी चाहिए कि फ्रूट एज अ लंच होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला और इस नशिस्त का हिस्सा बने। और ये ऐसी गैदरिंग्स आई थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट ताकि हम आपस में भी नॉलेज शेयर कर सकें और आगे हम आवाम तक ही पहुंचा सकें, बिकॉज आज का जैसा टॉपिक है सादा गिज़ा सादा ज़िंदगी, तो आई थिंक ये चीज़ डिस्कस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज हम जब भी डाइटिंग के बारे में सोचते हैं, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमारा मुल्क है, हमारे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, बड़े हैं, जब सेहत आपकी ठीक नहीं है तो आप कितना ही काम कर लोगे, और हमारा उल्टा चल रहा होता है। हम कहते हैं कि जब वो 50-60 साल के होंगे तब जाके सेहत को देखना शुरू करेंगे, अभी जॉब कर लें, अभी ये कर लें, वो कर लें, पर इस चीज़ को ही समझाना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए डाइटिशियंस यहाँ पे हमारे पास लाहौर के सब अच्छे फेमस टॉप डाइटिशियंस हमारे पास यहाँ आज मौजूद हैं, जो कि इसी चीज़ पर हम फोकस करेंगे कि आसान अल्फाज में समझाया जा सके, बताया जा सके, आपस में मालूमात शेयर की जा सकें जो हम अपनी प्रैक्टिस में सीखते हैं और आवाम तक पहुंचाया जा सके। मैं स्टार्ट करने से पहले सेशन मैं फॉर्मली इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी सबको। सबसे पहले है हमारे पास मिस रिबेका तारिक, इनका माशाल्लाह 14 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन, एंड शी इज़ अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एट उमर हॉस्पिटल एंड कार्डियक सेंटर जेल रोड लाहौर, एंड शी इज़ ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर एंड रनिंग हर ओन बिजनेस ऑन इंस्टाग्राम। यस। उसके बाद है हमारे पास मोइना बेग, शी इज़ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड हेड ऑफ न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट एट हिजाज हॉस्पिटल, एंड शी इज़ ऑल्सो प्रैक्टिसिंग एट एहसान मुमताज़ हॉस्पिटल, एंड शी इज़ ऑल्सो अ कोर्स कोऑर्डिनेटर एट पंजाब यूनिवर्सिटी। उसके बाद हमारे पास फरहान खान, ही इज़ अ लेक्चरर एट स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज UMT एंड ट्रेनर एट इंटरनेशनल स्कूल ऑफ रिहेबिलिटेशन सेंटर। उसके बाद है मेरी मेंटर शिफा अली, शी हैज़ मोर देन 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन, शी इज़ प्रैक्टिसिंग एट इतफाक हॉस्पिटल, एंड शी इज़ ऑल्सो पब्लिक हेल्थ स्पीकर। उसके बाद है हमारे पास उमे फरवा, शी इज़ हेडिंग द न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट एट UFC जिम। उसके बाद है हमारे पास माई राइट हैंड अरूज फातिमा, शी इज़ अ क्लिनिकल डाइटिशियन एंड बॉडी एवोल्यूशन, एंड शी ऑल्सो हेल्प्स मी इन मैनेजिंग ऑल ऑफ माई वर्क, जिनके बारे में आपको जिक्र कर रही थी। ठीक है, शी इज़ द रीज़न दैट यू नो आई मैनेज माई रूटीन। अच्छा जी, अब सेशन पूरा फॉर्मल स्टार्ट करने से पहले शाह साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप थोड़े जी। बहुत बहुत शुक्रिया जुम्मा, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं आपको बताता चलूँ कि ये बेसिकली ये फॉरम है क्या। हमने कुछ माह पहले एक एक्सपीरियंस किया, एक फॉरम अरेंज किया जो कि इंडस्ट्री अकेडमी लिंकेजेस के हवाले से था। हमें खबर नहीं थी कि वो इंडस्ट्री अकेडमी लिंकेजेस का हमारा फॉरम वो इतना उसको एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, वो हर फॉरम पे चला जाएगा, और बहुत से लोग हमें कहेंगे कि ये बातें काश हमें को पहले बता देता और हमारे काम आ जाती। तो फिर हमें पता लगा कि हम बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बड़ी सिंपल सादा सी लग रही होती हैं, लेकिन किसी के लिए वो बकायदा एक डायरेक्शन होती हैं और किसी के लिए मुकम्मल हदायत होती हैं। तो हमने वो फॉरम को फिर एक्टिव कर दिया। हमारा ये मेरा ख्याल है कोई 9वां या 10वां फॉरम है आज माशाल्लाह, और इसमें कुछ ना कुछ हम ऐसा कुछ टॉपिक मज़मून ढूंढते रहते हैं जिससे मखलूक खुदा का फ़ायदा हो जाए और हमारे सुनने वालों का फ़ायदा हो जाए, और सबसे बढ़ के कोई भी अगर कोई फील्ड, जिस तरह न्यूट्रिशनिस्ट हैं आप लोगों की फील्ड है, ये बड़े लोग हमारे जो बच्चे डिग्रियाँ ले रहे हैं उनको भी नहीं पता इसका स्कोप क्या है, उनको भी थोड़ा सा पता लगे कि इस फील्ड के ये नाम है जो ये कर रहे हैं, और उनकी सोच ही है सबसे बड़ी बात। और ये वो जो बुकिश नॉलेज है, जो टेक्निकल नॉलेज है, उसे अवामी ज़ुबान में कन्वर्ट करके सादा ज़ुबान में ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं, तो ये हमारा बुनियादी मकसद है। मैं मौजू को थोड़ा सा इसलिए बता देता हूँ क्योंकि मेरे जहन में क्या था, उसके बाद मैं चाहूँगा कि यमुना इसको आगे लेकर चले। मेरे जहन में तीन बातें थी जिसकी वजह से मैंने सादा खुराक सादा ज़िंदगी का इंतखाब किया। एक तो हदीस सी, उस हदीस का मफहूम ये है कि आपने खाना खाना है तो एक हिस्सा खाने के लिए रख लें, एक हिस्सा आप पानी के लिए रख लें, और एक हिस्सा खाली छोड़ दें, हवा के लिए रख लें। और मैं जब ये हदीस मैंने पढ़ी और समझी तो मुझे पता लगा कि हमारे मुल्क में
बड़े बीमार लोग जो हैं वो भूख से नहीं है, वो गलत खाने से और खा खा के गलत लाइफस्टाइल से बीमार है। और काश के सिर्फ इस पर ही अगर अमल कर लिया जाए तो माशरा कितना बेहतर हो सकता है। दूसरी जो बात मेरे जहन में थी वो ये थी कि लोगों को पैसा कमाना आ जाता है, तरक्की करनी, कामयाबी हासिल करनी, अच्छी गाड़ी लेनी, घर लेना, सब कुछ बनाना आ जाता है, लेकिन उन्हें अपना लाइफस्टाइल ठीक करना नहीं आता। यानी बदकिस्मती के साथ हमारे पार्क्स वीरान है। मैं वीरान इसलिए कहूँगा कि जो हैं वो तादाद कुछ भी नहीं है, शायद वो 1% भी नहीं है जो पार्क्स में जाते हैं, जो वॉक करते हैं, और 1% लोग हैं जिनके पास कुछ शऊर है कि हम जो खा रहे हैं पी रहे हैं वो उसकी ज़रूरत भी है कि नहीं है, या भूख के साथ खाना है। तीसरा मेरे जहन में एक आइडिया ये था कि हम ये लाइफस्टाइल अवेयरनेस को और हेल्दी लाइफस्टाइल अवेयरनेस बातों को स्कूल कॉलेज से कहीं लेकर जाएं। ये तीन चीज़ें थी मेरे माइंड में कि आज का फॉरम इसका एक फ्यूचर में हम ये कह सकें कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी ये बातें हो रही हों और बच्चों को पता हो कि अगर हमने एक हेल्दी लाइफ, हम बीमार नेशन बनते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ। अब देखिए हर घर में शुगर का मरीज़ है, हर घर में। सुबह एक PhD मेरे पास आए हुए थे, उन्होंने जापान से PhD की हुई थी और उनकी जो कह लीजिए PhD का टॉपिक था वो शुगर था, ठीक है जी, डायबिटीज़ था। वो कहते हैं मैं जिस घर जाता हूँ ना तो उस घर के चार मेरे पास आ जाते हैं सानूं इलाज दसो। यानी हर घर में शुगर का मरीज़ मौजूद है। तो ये कम अज़ कम इस तरह के फॉरम से हम बात करें और जो लोग फॉलो करते हैं, जो हमें सुनते हैं, जो देखते हैं, पढ़ते हैं मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, वो इन बातों से, आप सब जो एक्सपर्ट्स हैं आपकी बातों से वो फ़ायदा उठा सके। ये आज का सारे का सारा हमारा मौजूद है। ठीक है, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि हम इसी एक क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं, अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि हम सब माशाल्लाह क्लिनिकल डाइटिशियंस हैं और क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी हैं। तो सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, मुझे हम मेरा ख्याल है इस टॉपिक यहाँ से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि जिस तरह से पेशेंट आता है, हम चीज़ें देखते हैं उनकी लाइफ में, ऐसी क्या वो पॉइंट्स हैं जो मिसिंग होते हैं, क्योंकि हम सब इसी चीज़ से कायल हैं कि डाइटिंग करने के लिए, अच्छी सेहत हासिल करने के लिए, या कोई बीमारी से निजात हासिल करने के लिए कुछ बहुत मुश्किल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमारा सबसे पहले मसला क्या होता है, जब हम बीमार होते हैं, रिपोर्ट अगर करवा ही लिएगा किसी ने, पहली बात रिपोर्ट्स भी नहीं कोई करवाता, अगर करवा ही लिए कोई चीज़ आ ही गई है, उसके बाद हम पहले डॉक्टर पर जाने की वजह हम गूगल करते हैं। गूगल से हम सबसे पहले परेशान होते हैं क्योंकि वो तो कह रहा है ये चीज़ खाओ, वो चीज़ खाओ, क्योंकि वो तो अंग्रेज़ों की लिखी बात है, हमारा लाइफस्टाइल वो नहीं है। मेरा ख्याल है पेशेंट सबसे पहले यहाँ पे परेशान होता है, तो इस चीज़ को कैसे टैकल किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, ये बात ठीक है कि एक्सपर्ट की ओपिनियन इसके बारे में लेना ज़रूरी है। और हम सब का खासा भी यही है कि हम लोकल फूड्स के ऊपर बहुत बात करते हैं, हम लोग ऐसी चीज़ें देते ही नहीं हैं कि जो बहुत मुश्किल हों या यूजुअल रूटीन से कम हो। हमारे बहुत ऐसा मेरे ख्याल सभी का ये होगा कि हम डाइट हिस्ट्री ज़रूर लेते हैं कि वो कौन है, वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या लिमिटेशंस हैं। अच्छा, अब जो मॉडर्न ज़िंदगी के चैलेंजेस हैं, हम उनको भी मैंने देखा है कि हम लोग सब जहन में रख रहे होते हैं कि एक वर्किंग मदर हैं या अगर वो घर पे हैं उनके क्या चैलेंज हैं, उनका स्ट्रेस लेवल कितना है। जैसे आज ही मेरे पास एक खातून थी तो वो बच्चे के साथ कंप्लेन करी थी कि कुछ खाता नहीं है, कद के इशूज़ हैं, ये वो सारी बात। तो उसके अंदर सिंपल सी बात यह है कि आप जो उसको दे रहे हैं और सारी उन जब हिस्ट्री ली है तो वो प्रोसेस्ड फूड के ऊपर और चीनी वाली चीज़ों के ऊपर इतना फोकस है, जबकि सिंपल सादा खुराक जैसे शाह साहब ने बताया कि उसके साथ उसका इलाज उसी में, सारी शुगर का, सारी बीमारियों का इलाज अपनी ग़िज़ा को सादा रखने में ही है। और हदीस की तरफ जब भी हम देखें तो हदीस की साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी, उसकी मॉडर्निटी, हाँ शायद हमें डिस्कवर करने में डिले हो जाता है, लेकिन वो उसकी मॉडर्निटी और उसकी साइंटिफिक एविडेंस अब है मौजूद, ऑथेंटिसिटी है। जैसे ये तीन हिस्से वाली बात, ये साइंस भी इसको प्रूव कर चुकी है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आप देख लें, इतना सिंपल खाना, एट टाइम्स कुछ डेज ऐसे होते थे कि वो उनके घर में खाना ही नहीं पकता था, लेकिन उसका मतलब कभी फाके भी होते थे उनके घर में, लेकिन वो सिंपल अनकुक चीज़ें खाते थे। अच्छा, फास्ट फूड जो है, फास्ट फूड को भी हमने बहुत ज़्यादा ये कह दिया कि फ़ास्ट फूड ऐसी चीज़ें हैं जो कि आसानी से मिल जाती हैं। नेचर्स ने इतनी फ़ास्ट फूड दी हुई है हमें, इतनी ज़्यादा फ़ास्ट फूड है जो कि ऐसे लगी हुई हैं, आराम से अवेलेबल हैं, तो हम उनको क्यों नहीं हम वो करते। हमारा मेरा ख्याल है कि बच्चों को अगर छोटी एज में ही हमें समझाना और काउंसिल करना शुरू कर देना, क्योंकि हर चीज़ का ट्रेंड बनता है। एक टाइम था जब ये ट्रेंड नहीं था बर्गर्स खाने का, ऐसा ऐसा बनता गया, या वीकेंड पे इंजॉयमेंट का नाम हमने बाहर जाने को दे दिया। अब उसे भी दो कैटेगरीज है, मैं जैसे अगर अपनी बात करूँ तो मैं कभी बाहर जाने से मना नहीं करती, मैं कहती हूँ आप गलत जगह पे क्यों जा रहे हैं, सही चीज़ें भी अवेलेबल हैं। अब हमारी इस सारी जो रेस्टोरेंट्स वगैरह और ये जो ओनर्स हैं इनके, इनको भी थोड़ी बात समझ आनी शुरू होगी कि नहीं,
ये कैटेगरी में एक आती है, तो हमें कोई हेल्दी ऑप्शन भी रखनी है। मेरा ख्याल है कि जिस अगर बच्चा है, और बच्चे सबसे अच्छी एज होते हैं, बच्चे का मैंने इसे जिक्र किया क्योंकि अगर आपने उस एज में समझा दिया है ना कि बेटा ये गलत है ये सही है, हम हर चीज़ समझा रहे होते हैं, हम खुराक नहीं समझा रहे होते, हालाँकि अगर सेहत है तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, करिकुलम में आई है ये चीज़, जैसे जहाँ सब कह रहे थे, मैंने देखा मेरे अपने बच्चों के भी सबके करिकुलम में मौजूद है और दे रिवर्ट बैक टू मी, अम्मी ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, और फिर वो घर में देखते हैं कि इस चीज़ को वैल्यू किया जाता है कि अम्मी रात का खाना, अगर जैसे मेरा बच्चा है तो उसके ये है कि चॉकलेट लेके आएगा तो अब वो मैं उसको देखूंगी कि ले आया रात को, अब वो रख देगा, अच्छा मैं इसको ना सुबह खा लूँगा तो मैं अब देख लिया, अब देखिए रात का सोने का टाइम है, इस वक्त नहीं मैं खाता, तो ये छोटी छोटी उसको पता है घर में जो चीज़ वैल्यू की जा रही है, अम्मी अबू जो है वो अगर वैल्यू करते हैं एक्सरसाइज को तो वो भी करेगा। ये वाली बात है बहुत अच्छी की, क्योंकि ना खुद जब तक पेरेंट्स प्रैक्टिस नहीं करते, बिकॉज़ आई एम आल्सो अ मदर, तो जब तक बच्चे खुद नहीं देखते अपने बड़ों को भी करते हुए तो उनको सब वो भी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमें कह रहे हैं ये ना लो, फिर ये खाने के साथ ये कोल्ड ड्रिंक क्यों जा रही है, कार्बोनेटेड बेवरेजेस क्यों जा रहा है, तो मेरा ख्याल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिबेका, आप मुझे बताइएगा थोड़ा सा इस बारे में कि जब आपने पेशेंट को काउंसिल करना होता है टुवर्ड्स हेल्दी लाइफस्टाइल, तो आपको सबसे ज़्यादा चैलेंज क्या उसमें नज़र आता है कि एक आम इंसान के क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या मसले वो डिस्कस करना चाहता है? अच्छा, इसके अंदर ये है कि मैं बस एक पहले बात करना चाहूँगी, जैसे कासिम भाई ने अभी बात की कि जो हमें स्कूल कॉलेजेस को करना चाहिए, मैंने जब मेरा जो थीसिस था वो था प्री स्कूल बच्चों के ऊपर। अच्छा। और मैंने उनकी मदर्स को काउंसिल किया था ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेकफास्ट, यानी नाश्ता कितना ज़रूरी है, तो वो और उन छोटे बच्चों को साथ में ड्रामास करके दिखाए थे, उनको एक स्टोरी बेड टाइम स्टोरी दी थी, बिकॉज ये टाइम्स होते हैं जब आपका सारे का सारा फाउंडेशन फॉर लेटर लाइफ जो है वो डेवलप हो रही होती है। तो मैं उस टाइम से, क्योंकि माओं को जब जो रिसर्च मैंने पहले की उसमें पता चला 50% जो 50% माइंड थी वो बच्चों को नाश्ता नहीं करा के भेज रही थी और बच्चे भी उनमें विलिंग नहीं थे करने के लिए। दूसरी बात है फिर जब उनको एजुकेशन माओं को दी गई और सिंपल और आसान रेसिपीज़ उनको बताई गई कि फ्रेंच टोस्ट वो कैसे बना सकती हैं, अगर उसके अंदर थोड़ा सा केला मिला लें तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी सिंपल फूड से, आप अंडे को थोड़ा सा उबला हुआ अंडा है बच्चे नहीं खाते, आप उसमें थोड़ा सा दो काली मिर्च की आँखें लगा के उसको हम्टी डम्टी सा बना दें, क्योंकि बच्चे इन चीज़ों को मना करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। मैं भी जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है या पेशेंट आता है, मैं सबसे पहले उसकी डाइट हिस्ट्री ज़रूर लेती हूँ, वही बात कि उसके घर में क्या प्रैक्टिस हो रहा था, मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ साथ उसको उसकी फैमिली को भी बीच में कवर कर लूँ, उनके बच्चे क्या खा रहे हैं, क्योंकि वही वाली बात जुमना जो भी आपने किए बच्चे वो नहीं करते जो आप उनको कहते हैं, वो करते हैं जो टेबल पर आप करके दिखा रहे होते हैं। आजकल का जो ज़माना आ गया है, पेरेंट्स ने खुद ला के इनको गैजेट्स दिए हैं, क्योंकि बच्चे बेचारे तो खरीद नहीं सकते, मैं और शिफात सुबह ही डिस्कस कर रहे थे, तो आपको खुद ही मोबाइल टेबल के ऊपर बैठ के साइड पर रखना पड़ेगा और बच्चों के साथ एंगेज होना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप उनसे बात करेंगे, मैं एक अपनी एक वो बताती चलूँ आपको, मैं बस एक दफ़ा एक मदर आई, ये बात मैं अक्सर कोट करती हूँ बिकॉज ये मुझे इतनी इंपॉर्टेंट लगती है, मैं उससे जब डाइट हिस्ट्री लेती हूँ ना तो मैं उससे ये ज़रूर पूछती हूँ कि आपके बाउल हैबिट्स क्या हैं, आप दिन में किस वक्त स्टूल पास करती हैं, कितने दिन बाद करती हैं। जब मैंने उससे पूछा तो शी सेड के दो दिन बाद या तीन दिन बाद, तो मैं लिख रही थी, मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी माँ साथ बैठी हुई, तो वो बच्ची माशाल्लाह 14 साल की बच्ची थी, तो उसकी माँ ने उसको कहा कि आपने मुझे बताया ही नहीं कभी, तो उस बच्ची ने आराम से कहा मामा यू डिडंट आस्क फॉर, आपने कभी पूछा ही नहीं मुझसे, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बात थी कि फिर मैंने उसको काउंसिल किया, मैंने कहा बेटा दिस इज समथिंग, ये बहुत अहम बात है कि अगर आप रोज़ सुबह उठ के वॉशरूम नहीं जाओगे आपका सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करेगा। हम अब ये वाला काम हो गया हमारे यहाँ कि जिस वक्त फील होए बच्चे चले जाएँ माँ बाप को पता भी नहीं होता, हम लोग जब छोटे थे हमारे सिस्टम्स लाइफस्टाइल बहुत चेंज थे, हम लोग बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारते थे, हम सारा दिन सड़क खेलते थे, दरख्तों के ऊपर चढ़ते थे, गोडे रंगे जा रहे हैं, कोई मसला नहीं था होता, और इतनी अच्छी एक्टिविटी थी, अबू ने ईद पे एक हमारी सारे दिन में एक्टिविटी ये होती थी कि हमने लंबी वॉक करके फिर दास मार्केट जाना होता था और वो ईद पे हमें एक 250 ml की कोल्ड ड्रिंक मिलती थी, और यकीन माने वो सारा रास्ता हम इतना इन्जॉय करते थे, आपस में कज़न्स बातें कर रहे हैं और एक 250 ml की को, तो ये अब देखें आजकल के बच्चे 500 ml और उसके बाद भी और होती है कि वो और ले लें, कैपेसिटी बहुत है को के बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा, तो वो यही बात है कि टेबल पे क्या प्रैक्टिस हो रहा है। मैंने ये देखा है बच्चे हम बहुत ब्लेम डाल देते हैं बच्चों पे, सब थोड़ा सा हमें भी ले लेना चाहिए कि हम नहीं, हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे, हम उनकी बात नहीं सुन रहे, बच्चे जिद क्यों करते हैं, बिकॉज दे आर अनहर्ड, वैलिडेट जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनकी वैलिडेशन ही उनको मिल रही, तो इसलिए वो जिद करते हैं। बच्चे के साथ बैठे हैं उसको बताएं आपको कहाँ इशू आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से आपको ये नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे, तो उसमें कहीं ना कहीं बीच में नेगोशिएशन करके आपको बीच का रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो मदर्स से होती है वो ये है कि हम फूड को एज अ रिवॉर्ड या पनिशमेंट यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर मदर्स आती हैं वो कहती हैं कि बच्चा जो है वो बर्गर खाना चाहता है, पिज़्ज़ा खाना चाहता है, फ्राइज़ खाना चाहता है, उसे नगेट्स पसंद हैं लेकिन ये सब्ज़ी नहीं खाता। उसकी एक रीज़न ये होती है कि जब हम बच्चे को
फूड को एज अ रिवॉर्ड या पनिशमेंट यूज़ करते हैं, तो बच्चे जो है वो तो जाहिर है उसकी तो एक ग्रोइंग एज है और वो अभी उसका थिंकिंग प्रोसेस हर चीज़ डेवलपमेंट स्टेजेस से वो गुजर रहा है। तो ऐसे में बच्चे को लगता है कि अच्छा ये चीज़ खाने में अच्छी है और ये बुरी है, जबकि एक छोटा बच्चा उसको बिल्कुल भी नहीं पता, आप उसको जो भी देंगे उसका टेस्ट डेवलप हो जाएगा, आप उसको कद्दू टींडे जो चीज़ भी खिलाएंगे वो खाएगा। हाँ, बड़े होने के बाद जो है हम कह सकते हैं कि हमें हो सकता है कोई एक आधा ऐसा बैड एक्सपीरियंस हो, कोई फूड नहीं खाने में आपको अच्छा लगा, लेकिन बहुत दफ़ा हमसे ये गलती होती है कि जो चीज़ हमें खुद नहीं पसंद हम अपने बच्चे को भी वो ट्राई नहीं करवाते, ऑटोमेटिकली नहीं दे रहे होते। बिल्कुल, बिकॉज यही होता है हमारे जो आम रूटीन की जो डाइट्स हैं ना, तो वो रोटी सालन पे हैं। सुबह रोटी सालन, रोटी ब्रेड अंडा हो गया अमूमन, रोटी तो मैंने कभी किसी से नहीं सुना कि वो नाश्ते में रोटी खा रहा, तो उसके बाद रोटी सालन और उसमें भी फिर मैनेजमेंट नहीं होती। मैं पेरेंट्स को ज़रूर बताती हूँ, जहाँ पर हम बात करते हैं ना ग्रोइंग, बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा, ग्रोइंग एज है, कमज़ोर दिख रहा है, कितनी दफ़ा ऐसे हुआ है, अगर आप लोगों को बिल्कुल सबको इस बात का पता होगा कि जब आप प्रोटीन हिस्ट्री देखो कि प्रोटीन इनटेक कितना है, वो नहीं निकल रहा होता, बिकॉज हम डाइट बना रहे होते हैं, घर में खाना चल रहा होता है, हमारी कन्वीनियंस से फलाने को टिंडे पसंद है टिंडे बनेगी, फलाने को भिंडी पसंद है भिंडी बनेगी। ग्रोइंग एज के बच्चे की रिक्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, उनका खाना अलग बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर बच्चा छोटी एज में अगर वीक रह गया, कमज़ोर रह गया, तो उसके लिए वो टैकल करना पूरी ज़िंदगी इसी में उलझा रहता है। अगर वो छोटी एज में अंडर वेट है तो उसको वही चीज़ टैकल करने कब कितनी देर हो जाती है और उसी में चल रहा होता है, स्लाइटली बेहतर हुआ फिर अंडर वेट हो गया, क्योंकि ग्रोथ के चल रहा होता है ना, एक पैटर्न चल रहा होता है, फिर उनके एज के हिसाब से, फिर बच्चा स्कूल जा रहा है उसके वो पैलेट डेवलप हो रहा है, फलाने को चीज़ खाता देख रहा है, फिर स्कूल की जिस तरह हम बात कर रहे थे, स्कूल में मेरे बेटे के स्कूल में वैसे उन्होंने ये चीज़ इंप्लीमेंट की है, पर ये सब स्कूल में इंप्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि बैन हो कि आपने बाहर की चीज़ नहीं लेके आनी, क्योंकि होम मेड लंच है वो बहुत ज़रूरी है। आप बच्चे को ही कह रहे हो, एक जगह आप पढ़ा रहे हो बेटा ये जंक फूड है, उसके बाद आप कह रहे हो बेटा लंच टाइम हो, अगर बच्चों के जो है लंच बॉक्स से कपकेक सब निकल रहे हैं एंड नोबडी इज एजुकेटिंग देम कि गलत हो रहा है, तो ये वाले मेरा ख्याल असल में पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा ईज देख लिया ना कि रेडीमेड चीज़ें हैं, इजीली अवेलेबल है, उनको प्रिपेयर नहीं करनी पड़ती, कुक नहीं करनी पड़ती वो चीज़ें, तो वो आराम से बच्चों को दे देते हैं, बच्चे उसके लिए टेस्ट डेवलप कर लेते हैं। जो हेल्दी चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, वो उनसे दूर होते जा रहे हैं, वो नहीं खाते बच्चे। बिल्कुल, तो ये एक चीज़ बहुत कॉमन मेरी जो प्रैक्टिस है उसमें देखने में आई है। हालांकि वैसे जो है ना, जिस तरह आपने शिफा ने बात डिस्कस की कि हमारे नॉर्मल डाइट में, बस ये हमारे इसमें माइंड में चीज़ है, नॉर्मल डाइट को भी आप बहुत आराम से बैलेंस कर सकते हो, उन्हीं चीज़ों को इंटरेस्टिंग बना के। ये बस यही है कि हमें लगता है कि वो जो बाजार का डब्बे के अंदर से कबाब निकलना वही कबाब है, हमारे घर में भी कबाब होता है, हम तो वो भी दे सकते हैं। यही बात है, बच्चे ने क्या देखा है घर में, अगर वो डब्बे पड़े देखेगा वो डब्बों वाली चीज़ें मांगेगा। बिल्कुल ऐसी, आप तो बच्चों की बात करें, हमारे पास जो एडल्ट पेशेंट आते हैं ना, उनका कॉन्सेप्ट डाइट का ये है कि अब हम एक फेज़ में जा रहे हैं जो महंगा है, जो बड़ा फैंसियर है, और अब हम वो ये कहते हैं कि अच्छा हम 3 महीने की डाइट करने आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब तक हम स्मूदी नहीं बनाएंगे, कुकम्बर की डिटॉक्स वाटर नहीं बनाएंगे, काम नहीं चलेगा। हालांकि अगर हम अपनी सिंपलर डाइट जो कन्वेंशनल है, जो कल्चरल डाइट है, उससे दूर जाते हैं ना, हम सस्टेन नहीं कर सकते, वो शॉर्ट टर्म सी एक डाइट करते हैं। हमारी आम खुराक तो आसान है, इसी में सोशल मीडिया का एक अच्छा किरदार भी है, क्योंकि मैं ये कहूँगी कि बहुत से लोगों ने वही वीडियोज देखे, अच्छे लोगों की सही बनी वीडियोज देखे, बड़ा भी चेंज किया है, पर अगेन वही जहाँ पे ये वाली वीडियोज है वहाँ दूसरी भी है जहाँ पे इन चीज़ों को वाकई प्रमोट भी किया जाता है, ये भी गलत वो लोग भी नहीं है। बात ये कि मेरा ख्याल है हमें इस बारे में एजुकेट, मैं खुद ही पेशेंट्स को अपने करती हूँ कि ध्यान रखें आप किसको फॉलो कर रहे हैं, और वो इंसान क्या बात कर रहा है, हर किसी की हर कही गई बात करेक्ट नहीं होती, खुद थोड़ी अपनी रिसर्च भी करना सीखें। आप डाइटिशियन के कंधे पर नहीं डालना कि भाई किसी को सब पता है, क्योंकि आपके पास सोशल मीडिया अवेलेबल है, आप खुद देख सकते हैं। इसमें यमुना, मैंने एक और चीज़ बहुत देखी, अभी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट की बात हो रही थी ना, मतलब मेरे पास फैमिलीज आती हैं, मदर्स आती हैं बच्चों के साथ, तो वो जब मैं उनसे उनकी बीफ की इंटेक बच्चों की पूछी तो वो कहते नहीं नहीं हमारे घर में बीफ नहीं आता, बनता ही नहीं, इतना बड़ा एक मसला है, हाथ गर्म होता है और इसमें तो कोलेस्ट्रॉल, तो मैं कहती हूँ बच्चों बेचारों का क्या नहीं है, उनके लिए इतनी बेहतरीन सोर्स है आयरन की, प्रोटीन्स की। फिर वो कहती हैं रोटी नहीं खाएंगे, मैं कहती हूँ कीमा बना दें, फिर वो ऐसा ऐसा कुछ चीज़ें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट ही होते हैं कि पता नहीं बीफ कह दिया, और ये उनको बताती हूँ कि अल्लाह ताला ने इसको हमारे लिए हलाल किया है, इसको पोर्शन साइजेस में हम बच्चों को उसके छोटे छोटे चप्पल कबाब बना के दे सकते हैं, और इसके कोफ्ते बना दें, तो फिर वो कहती है हाँ कोफ्ते शायद खा लेंगे। कुछ लोग तो खैर बिल्कुल इस पर रिलक्टेंट होते हैं। असल में ना बच्चों को ना शेप से बड़ा कंसर्न होता है, अगर आप उनके बोटियाँ रख दो ना तो उनको वाकई लगेगा हाय पता नहीं क्या चीज़ है, उसी को अगर आप थोड़ा सा फैंसी कर दो, थोड़ा अच्छा उसकी वो कर दो, शेप डिफरेंट कर दो, तो उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो बच्चों में अमूमन ये होता है
बच्चों में अमूमन ये होता है कि हम चूँकि अभी इसकी से बात है, अब घर में बड़े होते हैं और बच्चे होते हैं, ये हमारी डिवीजन होती है ना घर की, तो अमूमन यही मसला होता है कि अगर फलाने किसी बड़े को बीफ मना है, जो कि उसकी एज है भाई, आपको थोड़ा सा मसला होगा, आपको कहा जाएगा इतना खाओ या उस तरह से खाओ, मैनेज कर लो पोर्शन, या क्या हो सकता है किसी कंडीशन में कम्प्लीटली मना हो, चूँकि उसके लिए नहीं बन रहा तो घर में किसी के लिए भी नहीं बन रहा, तो उसी घर में फिर छोटे बच्चे हैं, तो ये चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके जो बच्चे हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट और इस चीज़ को माइंडफुली समझना कि मुझे दो मेन्यूज़ ही बनाने पड़ेंगे, और वो इतने मुश्किल नहीं होते, हमारे माइंड में मुश्किल लग रहा होता है कि अच्छा उसका लदा बनेगा, बच्चों की बहुत चीज़ें थोड़ी सी रेडी टू कुक टाइप, अगर कबाब है तो फ्रोज़न, फ्रीज अगर हुआ है तो फ्रोज़न करके आप उसको इजीली बना सकते हो। अच्छा अरूज, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जिस तरह प्रैक्टिस के दौरान एक चीज़ पे जैसे मेरा बहुत फोकस होता है कि टाइम टेबल एक मेनटेन करने की क्या इंपॉर्टेंस है। टाइम टेबल मेंटेन करना इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बात तो ये कि लोगों की रूटीन नहीं है आजकल, रूटीन नहीं बनेगी तो बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो जाएंगी, और एक टाइम पे बिल्कुल नहीं खा रहे तो अगले टाइम पे बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है इसमें। और दूसरा, ये पहले जंक फूड की बात हो रही थी, तो जंक फूड इतना कॉमन है यहाँ पर खाना कि यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स को भी अगर हम डाइट प्लान देते हैं हेल्दी ईटिंग के लिए तो वो कहेंगे ये हम कैसे लेके जाएंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, ये बहुत कॉमन चीज़ है। तो इतना कॉमन हो गया है कि हेल्दी फूड जो है वो लेबल कर दिया जाता है कि जी डाइट कर रहा है, और उसका मजाक उड़ाया जाता है, और इस तरह से होता ही नहीं होना चाहिए। पीयर प्रेशर ये चीज़ ना, वैसे अब अल्हम्दुलिल्लाह यही बात है कि बहुत सी डाइटिशियंस हैं, मेरे पास तो कोई भी हो ना, मेरी फ्रेंड है, एक्वेंटेंस में कोई डाइटिशियन है, मैं हर किसी को इनकरेज करती हूँ कि इफ़ यू हैव गुड नॉलेज पुट इट आउट ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज हम क्लिनिक तक हर किसी के अप्रोच नहीं है, और सोशल मीडिया एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है कि बिल्कुल किसी गांव में, क्योंकि इंटरनेट हर जगह है, अब मोबाइल भी हर किसी के पास है, किसी गांव में बैठा इंसान भी बहुत आराम से आपकी उस नॉलेज तक आसानी से पहुंच सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखे हैं कि लैंग्वेज हमारा जुबान बैरियर का बैरियर भी होगा, हमारा लैंग्वेज बैरियर भी होगा, उसको मेरी बात आधी समझ आ रही है, मुझे उसकी बात आधी समझ आ रही है, पर उसको एक फूड एक कॉमन ज़ुबान है हमारी पाकिस्तान में, ये समझ आएगा कि हाँ ये अच्छा है मेरे लिए, ये बुरा है। बहुत से लोग बहुत जगहों पर मुझे ऐसे मिले हैं जो मैं कभी मैसेज पढ़ लेती हूँ, कभी देखती हूँ कि भाई वो कह रहे कि यस हम सीखना चाह रहे थे पर हमारे पास कोई ज़रिया नहीं था, क्योंकि डाइटिशियंस तो बड़े शहरों की चीज़ है ना, या हम तो बड़े शहरों में होते हैं, छोटे शहरों में उस तरह से आपको नहीं मिलेंगे, गाँव पर इस जगह पर आपको नहीं मिलेंगे, तो सोशल मीडिया का इसमें किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक उन्हीं सोशल मीडिया को देख देख कर एक बैड कॉन्सेप्ट इसके अराउंड डेवलप किया गया है कि भाई डाइटिंग करने वाला तो हाय बेचारा, अच्छा बेचारा मेहनत कर अपनी बॉडी पे, अपने रूटीन पे। मेरा ख्याल है इस चीज़ को तो बहुत फ़ख्र से बताना चाहिए कि येस आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, मैं अपने आप को इतनी अहमियत देती हूँ कि मुझे फ़िक्र है इस बात की कि अगर मेरी सेहत है तो मेरे आस पास स्टडी को आप ले लें, आप घूमने फिरने सैर करने को ले लें, आप एजुकेशन को ले लें, आप बिज़नेस को ले लें, आप जॉब को ले लें, अगर आप सेहतमंद नहीं है तो आप नहीं कुछ कर सकते, और आप एक वो क्या कहते हैं उर्दू में आवाज़ आ रही अपनी जिंदगी से कि मैं उठ रहा हूँ तो ताकत नहीं है, लेट रहा हूँ रात को थकावट नहीं है, नींद नहीं आ रही, टांगों में खिंचाव हो रहा है, तबीयत बोझल सी है। और इसमें मैं एक और चीज़ जरूर डिस्कस करना चाहूँगी, बल्कि पूछना चाहूँगी शिफा आपसे, कि जिस तरह मुझे मदर्स को एजुकेट कराना बहुत पसंद है, फिर मैं एक्स्ट्रा टाइम लगाती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि एक आपने खातून को समझा देना इसके बच्चे हैं शौहर है, अगर उसने एक सीखे तो घर के सारा ना निज़ाम वो आसानी से उसके लिए बहुत आसान है, बेहतर करना इम्प्लीमेंटेशन उसके लिए बहुत आसान है। तो जो मदर्स हैं, आपको मदर्स के लाइफ स्टाइल में सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ क्या लगती है कि भाई अगर ये थोड़ी ठीक हो जाए ना तो फिर आसान है इनके लिए। अच्छा, सबसे पहली चीज़ यही होती है, आज जो मैंने मदर जिनसे मुलाकात हुई वही भी कि वो अपने ऊपर फोकस नहीं कर रही होती, जबकि बच्चा जो है ना वो बच्चे का माँ के साथ ऐसे ताल्लुक है कि उसको कहने सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ अजीब सा ताल्लुक है कि माँ की जो फीलिंग्स है, उसका स्ट्रेस है, वो अननोइंगली वो उसके अंदर जा रहा है, उसकी हैबिट्स पे, उसकी ज़िद पे, उसकी पढ़ाई पे वो इम्पैक्ट हो रहा है, तो अपनी नींद नहीं, अपना स्ट्रेस नहीं देखती, अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती, एक्सरसाइज नहीं करती। तो ये मुझे आज जैसे मेरे बच्चे के लिए वो मुझे कंसल्टेशन लेने आई थी, लेकिन आई आस्क्ड हर सेपरेटली कि आप अपना कितना ख्याल रखती हैं, आप अपनी डाइट को कितना फोकस करती हैं, कहती बच्चा जब आप बता रही हैं मैं इसकी इतनी चीज़ें बंद करूँगी, मीठा बंद करूँगी, तो वो कैसे, मैंने कहा 7 साल का बच्चा है, आप उससे कम्युनिकेट करें, आप खुद अपनी लाइफ में चेंजेस लाएं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि यस ये मैं समझती हूँ कि फैमिली को चलाना, बच्चों को करना और पालना, उनकी तरबियत करना सिर्फ माँ के सर पे नहीं होना चाहिए, बाप की भी मैं समझती हूँ, वो बच्चे ज़्यादा अच्छे बन के बाहर निकलते हैं, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, वो ज़्यादा आगे दुनिया में बढ़ सकते हैं और चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं जिनके बाप ने भी इक्वल क्वालिटी उनको टाइम दिया हो। और माँ बाप को ये देखना चाहिए, मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ मेरे पास हस्बैंड एंड वाइफ दोनों हैं, और मैं उनको रियलाइज़ करवाऊँ कि ये खातून की स्ट्रगल आप देख रहे हैं, आपके 3 या 4 बच्चे हैं और
अपनी जान इसके अंदर घुला रही हैं एंड यू हैव टू कंट्रीब्यूट, क्योंकि आफ्टर ऑल आपकी नस्ल है ये, तो आप इनका जो बर्डन है उसको कम कीजिए. जहाँ से भी आपको लग रहा है कि एक्स्ट्रा बर्डन इनके पर पड़ा हुआ है, जहाँ भी इन तरबियत के बीच में आ रहा है, आपने क्यों डाला हुआ है उनको सपोर्ट. सिर्फ मर्द हजरात के कुछ सपोर्टिव अल्फाज खातून के लिए बिल्कुल बहुत होते हैं, बहुत होते हैं. यानी कि हमें आगे चलाने के लिए बस यही चाहिए होता है कि जी आप अप्रिसिएट कर दें, थोड़ा सा फैसिलिटेट कर दें उसके अंदर. तो ये चीज़ वो एक हमारा इंग्लिश का एक बड़ा मशहूर मकूला है ना, द बेस्ट थिंग अ फादर कैन गिव टू देयर चाइल्ड इज टू लव देयर मदर. तो वो फैसिलिटेट करना और उसमें उनका ख्याल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. कि मैं जब भी मुझे कहते थे बच्चे बच्चा है उसको ये मसला है, डॉक्टर साहब बुलाएंगे, मैं कहूँगी बच्चे की माँ को बुलाओ, बच्चे के अब्बा को बुलाओ, मुझे बताओ कि इनका आपस में कैसा चल रहा है घर में खाने के वक्त. ये नहीं हो सकता कि मैं डाइट प्लान बना के दे दूँ ये खिला दे, ऐसे नहीं होता. क्या चल रहा है, बच्चा यहाँ तक क्यों पहुँचा है, बच्चे ऐसे नहीं होते. बच्चे फितरतन खेलने वाले, प्लेफुल, आपकी बात सुनने वाले, मज़े मज़े के खाने खाएँ, वो कद्दू भी खाएंगे, टींडे भी खाएंगे, तोरियाँ भी, उसमें उनकी सब्जियों में उनकी कोई एक दो फेवरेट ज़रूर होंगी, लेकिन वो सुनते हैं बात. तो क्यों नहीं सुनना. इसमें एक क्वेश्चन की शक्ल में चाहूँगा ना, आप इसको अगर सारे इसको एड्रेस एक दफ़ा कर दें, अपनी फीडबैक दे दें. हम लोगों के जहनों में बैठा हुआ है आम तौर पे कि अगर हम किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं या डाइट प्लान लेते हैं तो ये एक महंगा काम है. मैं जानना चाहता हूँ कि घर में ऐसा क्या क्या मौजूद है जो बहुत सस्ता है. अच्छा, शायद मुझे तो बड़ा फैसिनेट करता है कि लसूड़े का अचार और तंदूर की रोटी मिल जाए. मुझे तो बड़ा फैसिनेट करता है कि सिंपल ढीली सी दाल बनी हो और उस दाल के साथ आपको चावल मिल जाए. ये मैं तो बड़ा लाइक करता हूँ कि रात वाली रोटी जो है उसको थोड़ा सा अगर सेक लिया आपने तो रात के सालन के साथ, या आपने एक एग बना लिया उसके साथ आपने उसको एंजॉय कर लिया. ऐसा क्या क्या मौजूद है जो कि एक्सपेंसिव नहीं है और उससे खुराक बड़ी अच्छी बच्चों की. और अच्छा, बच्चों से भी हम ज़रा आगे निकलें क्योंकि हम लाइफ स्टाइल पर जा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं हर कोई उससे फ़ायदा उठा सकता है कि मुफ्त की प्रोटीन पड़ी है, मुफ्त के कार्बोहाइड्रेट्स पड़े हैं, मुफ्त के जो शुगर पड़ी है, मुफ्त की जो चीज़ें हैं. रात का बासी खाना खाना, उसमें इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि साइंस ये कहती है कि जब रात के चावल आपने रात की रोटी रात के उबले हुए आलू अगले दिन खाएं तो वो स्टार्च नहीं देते, फाइबर ज़्यादा देते हैं. तो वो वहाँ से भी साइंस साबित हो रही है. तो इस तरह की चीज़ें जैसे आपने बताया, आमला इतनी आम सी चीज़ है वो यूज़ होती. कड़ी कितनी कॉमन सी चीज़ है, लेकिन इट इज़ सच अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, प्रोटीन. और हल्दी वैसे हम इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन कड़ी में एक्सेसिव यूज़ करते हैं. तो बहुत ही सिंपल सी ये चीज़ें कुछ देर में काम होता है. अच्छा, इसके अंदर यह है कि बहुत आसान, जैसे बहुत से, क्योंकि आजकल हालात इस तरह हैं क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन अंडे हर घर में मौजूद होते हैं. इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. हमारे जो पिछले वज़ीर आज़म ने बहुत अच्छा एक मशवरा दिया था कि आप अपने घर के अंदर मुर्गी रखें और अंडे आपको वैसे ही मिलना शुरू हो जाएंगे. तो ये एक आपके लिए चीपर सोर्स भी बन जाएगा. उसको आपने खिलानी भी गंदम होगी, एक सादा गज़ा अपनी मुर्गी को भी खिलाएंगे और आपको एक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स मिल जाएगा. हमेशा मैं अपने क्लाइंट्स को यही बताती हूँ कि कॉम्बिनेशन में दें, जैसे दाल के अंदर कद्दू मिला लें, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है. इस तरह प्रोटीन्स भी आपको मिलेंगी और आप दाल के साथ अंडा भी मिला के खा सकते हैं. आप अंडे का, जिस तरह आलू अंडे हम बनाते हैं वो शोरबे वाले भी बन सकते हैं. उसमें 6 अंडे भी एक घर में अगर डालेंगे आधे आधे करके, तो वो हर घर के जो फर्द है उसको आधा आधा अंडा मिल जाएगा. 4 भी डालेंगे तो जितना आपके, तो ये छोटी छोटी सोर्सेज हैं जो प्रोटीन हमें बहुत अच्छी मिल सकती है. अच्छा, और दूसरी बात है ग़ज़ा, क्योंकि हमेशा सादा ही होनी चाहिए. अब प्याज इतने महंगे हो गए हैं, आज सुबह ही मैं उसका रेट देख रही थी, 320 रुपये तक किलो प्याज चले गए. अल्लाह ताला बस रहम करे हमारे मुल्क के ऊपर सैलाब की वजह से जो तबाहकारियाँ हुई हैं. लेकिन इसमें भी यही है कि हमें अपनी थोड़ी बहुत ज़रूर अपने घर के अंदर गार्डनिंग करनी चाहिए. गमलों के अंदर भी प्याज उग सकते हैं, टमाटर भी लग सकते हैं, और ये हमारे लिए आसानी होगी. और हम शायद अपने घर में जो हाउस हेल्प आती हैं उनको भी मदद कर सकेंगे, उनको भी दे सकेंगे, क्योंकि एक प्याज से हांडी बन जाती है अगर बनाना हम चाह रहे हों तो. तो ये हमारा ही काम है कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को बताएँ कि इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है. और मीठे को कम करने के लिए केले की पेस्ट बना के अगर हम दही में ऐड करें, देखिए टाइम एकदम से आपको बहुत मुश्किल लगेगा ये, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके टेस्ट बड इस चीज़ को अडाप्ट कर लेंगे कि ये ज़्यादा बेहतरीन सोर्स है चीनी का. और इसके अंदर क्योंकि इतने अच्छे एंटी ऑक्सीडेंट्स अल्लाह कुदरती तौर पर प्री पैक्ड आते हैं कि आपको बहुत फ़ायदा दे रहे होते हैं. और दूसरी बात ये कि सब्ज़ियाँ भी इसी तरह हमेशा डाकर वेजिटेबल्स, जितने गाढ़े रंग हैं वो उतना आपको फ़ायदा दे रही होती हैं. जिस तरह हमारी वो है गाजर है, उसका नारंगी रंग भी होगा और उसका गुलाबी रंग भी, उसमें इतने अच्छे एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं. टमाटर लाल रंग का होता है, तो ये इसके अंदर इतने ख़ास किस्म के ऐसे अंसर पाए जाते हैं जो हमारे जिस्म को कैंसर से भी बचाते हैं. एक बल्कि रिसर्च मैंने पढ़ी, बहुत ज़बरदस्त थी शाह साहब की, उसके अंदर मैं देखा कि गार्लिक की जो लहसुन है ना, उसकी एक डोज ने 80% कैंसर सेल्स को ख़त्म किया.
जिस्म के अंदर से, लेकिन उसने नॉर्मल सेल्स को बिल्कुल टच नहीं किया। तो यानी कुदरती तौर पे जो सब्ज़ियाँ वो सिलेक्टिव होती हैं, ये अल्लाह ताला की एक है ना हमारे लिए ख़ास तोहफ़ा है। तो हमें एक तो उनको पकाने का तरीका भी ज़रूर पता होना चाहिए कि उनको बहुत ज़्यादा पका पका कि उनका वो ना मारें, लेकिन स्टिल हमें फ़ाइबर उसे बहुत अच्छा मिलेगा। हम जितना उसको जैसे हल्का सा स्टीम दे लेंगे, जैसे माड़ू है वो भी आसानी से मिल जाता है। और क्या कहते हैं जो मुश्किल सब्ज़ियाँ जैसे ब्रोकली वगैरह होगी, उसके अंदर बहुत अच्छे एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो कैंसर सेल्स को ख़त्म करते हैं, वो भी हम अपने घरों में लगा सकते हैं। तो हर चीज़ अप्रोच की जा सकती है। मेरा ताल्लुक वैसे भी काश्कर घराने से है। मेरे दादा ने 17 किताबें लिखी ज़रात पे, तो उनको तो मट्टी से इश्क था, वो इतनी ज़बरदस्त हमें बातें बताते थे अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो वो अमरूद ही उन्होंने खाया और उन्होंने कहा कि इसके बीज लगा दो, ये सदाबहार है। और वो अभी तक मेरे घर में माशाल्लाह लगा हुआ, उसको 20 साल हो गए लगे, वो इतना फल देता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ज़रूर शेयर करनी चाहिए ताकि जो है हम एक दूसरे को बता भी सकें। और हम कैसे लोग समझते हैं कि जैसे अब नाश्ते के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप सीरियल ही खाएं, गंदम का दलिया जौ का दलिया दोनों को मिक्स करके बॉईल करके उसके अंदर नट्स हैं तो नट्स डालने नहीं, सो एक से दो किशमिश के दाने डालें, चिया सीड्स नहीं हैं तो आप वो डालने हैं जो होता है ये तुख मलंगा डाल लें उसके अंदर और उसके तो वो बेहतरीन बन जाता है। बेरीज के पीछे लोग भागते हैं, आप शहतूत आपके पास इतनी बेहतरीन बेरीज हैं, अब वो ड्राई करके भी रख सकते हैं। हमारे इधर गिलगित में चेरीज इतनी अच्छी आती है, बेहतरीन है वो आप उसके अंदर तीन से, तो उससे बेहतर सीरियल मैं कहती हूँ कोई नहीं हो सकता। असल में मुझे लगता है कि जो मैंने अमूमन ये देखा है कि जब लोग डाइटिंग, अच्छा कुछ पेशेंट्स हमेशा ऐसे आते हैं जिन्होंने पहले कहीं ना कहीं थोड़ी डाइटिंग स्टार्ट की होती है, तो उनके हिस्ट्री में लाजमी सीरियल्स वाली हिस्ट्री निकलती है। क्योंकि फिर वो मेरा जो पहला पॉइंट मैंने जिक्र किया था कि जब भी आपका वेट ज़्यादा होता है या कम हो रहा है, बीमारी आ जाए, हम जब गूगल करते हैं ना तो वहाँ पर काम ख़राब होता है। जहाँ अब लिखा था बेरीज खानी है, पहले तो बंदा सोचता है ये लानी कहाँ से, फिर बंदा सोचता है अच्छा कितने की आएंगी, फिर ये सोचता है अच्छा अच्छा ये कर रहे हैं, हाँ चलो मैंने सेहतमंद हो रहा है। और फिर बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि पेशेंट्स मुझे कहते हैं, कितनी दफ़ा सुना है शाह साहब की पेशेंट्स कहते हैं कि जो आपने ये तो बड़ा है, मेरा नहीं ख्याल से कम होना है मेरा। मैं कहती हूँ कि आपकी प्रैक्टिस बन चुकी है, आपको लगता है हमारा यकीन हो गया इस चीज पे, यकीन है हमें कि भाई जो गूगल पे लिखा है, और जो बात अंग्रेज लिखी है ना बात वो ठीक है, तो ये हमारी देसी बातें जो है ना काम नहीं करेंगी। कॉमन फूड्स चावल जर्दी निकाल देते हैं बिल्कुल। यहाँ पे एक्चुअली लोगों का प्रॉब्लम यह है कि उन्हें फैंसी डाइट्स बहुत ज्यादा फैसिनेट करती हैं। न्यूट्रिशन इतनी सिंपल है कि जो हमारी बैलेंस डाइट है, अगर आपके खाने में सैलड साथ आपने दही लिया है, साथ आपके दाल या सब्ज़ी का सालन या अगर गोश्त वाली कोई चीज़ है वो है, साथ आपने चपाती ली या चावल ले लिए, ये एक बैलेंस्ड मील है। अगर हम अपनी इंटरनेशनल गाइडलाइंस को देखें तो हम तो उसको मीट कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर आता है जब हमारे पास एक पेशेंट आता है और उसको लगता है कि अगर हमने उसे ये लिख के दिया तो उससे लगता है कि शायद जो हमने उसे कंसल्टेशन चार्जेस लिए थे वो जस्टिफाइड नहीं है। उन्हें लगता है कि मल्टीविटामिन नहीं आपने लिख के दिया, ठीक है आपने मुश्किल बात नहीं लिखी। कई लोगों की साइकी है कि वो महंगे अगर उन्हें टेस्ट बोले हैं वो करवा लेंगे, अगर उसमें नहीं निकला कुछ भी तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, खुश होने के बजाय जैसे इतने महंगे टेस्ट करवाए थे डॉक्टर साहब फिर तो कुछ निकले नहीं। और अगर उन्हें हमने एक सिंपल डाइट प्लान दिया जिसको बहुत, हम मेरे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है मैं हमेशा उससे पूछती हूँ कि वो क्या काम करता है। पूछने का मकसद ये होता है कि उसकी डेली रूटीन क्या है। मदर्स हैं अक्सर वो ये कंप्लेन करती हैं वो जी बच्चे हैं मैं क्या, भाई बहुत सी मदर्स से आप देखें कि अक्सर बच्चों की पैदाइश के बाद औरतें ओवरवेट हो जाती हैं, और उसकी एक बहुत जो बेसिक रीज़न है ना वो ये भी है कि वो अपने बच्चों का लेफ्ट ओवर फूड खाती हैं। मतलब आपकी बॉडी है, आपको इसे गार्बेज कैन की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए कि जो भी एक्स्ट्रा वो आपने अपने अंदर डाल लेना है, क्योंकि वो आपकी बॉडी की ज़रूरत नहीं है कि आप बच्चे का खाना टेस्ट करते करते यहाँ ये ज़ाया हो जाएगा। भाई आप थोड़ी क्वांटिटी में बनाएं, आप बाकी को रेफ्रिजरेटर में रख लें, आप उसको फ्रीज कर लें, आप उसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन ये जो एक्सक्यूज़ है ना जो हम इसके पीछे लेते हैं कि नहीं चाइल्ड बर्थ के बाद मेरा जो वज़न है वो तो बढ़ना ही था, भी क्यों बढ़ना है अगर आप उसको शुरू से ही कंट्रोल करेंगे। आपको पैदाइश के फ़ौरन बाद बहुत ज़्यादा वो जो काढ़े हैं और वो देसी घी वो पीने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप एक मॉडरेट अमाउंट में जब सारी चीज़ें लेंगे हेल्दी बैलेंस्ड वे में तो आपकी बॉडी को उसका फ़ायदा होगा, लेकिन जब आप हर चीज़ को ओवरडू करते हैं तो वो नेगेटिव वे में आपको अफेक्ट करती है। जिस तरह बहुत से लोग कहेंगे नहीं देसी घी तो अच्छा, भाई अच्छा है लेकिन आप उसको एक कंट्रोल्ड अमाउंट में लें। या आपने अब जिस तरह देखें हमारे जितने भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो आपको सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को चुन के कीवी ही खाना है जो कि इम्पोर्टेड फ्रूट है, वो महंगा है। आपने वो क्यों खाना है? आपको जब एक सस्ती चीज़ मिल रही है, आप अपनी, लोगों के पास बहुत सारे एक्सक्यूजेज़ हैं बैलेंस डाइट ना फॉलो करने के, जिनमें एक वो ये भी कहेंगे अक्सर अफोर्डेबिलिटी इशू है, जबकि हर इंसान आजकल के ज़माने में हमें पता है कि जो बच्चे हैं उनको पॉकेट मनी चाहिए, हर बच्चे को डेली कोई 20 रुपये तो मिलते होंगे।
अब इसमें अगर एक वो चिप्स का पैकेट ही 20 रुपए का है, इतने में केला भी आ ही सकता है। लेकिन ये वही बात है कि आपने अपने बच्चे को उसकी हैबिट्स कैसी डेवलप की हैं। अगर आप अपने बच्चे को डिज़र्ट में शुरू से ही कप केक्स चॉकलेट्स ये सब दे रहे हैं, मैं ही नहीं कहती कि बिल्कुल ना दें, बच्चे को हर चीज़ इंट्रोड्यूस कराएं, लेकिन उसको एक रूटीन ना बनाएं, एक पैटर्न ना बनाएं कि आपके घर की ग्रोसरी में आप इन चीज़ों के बॉक्सेस ला रहे हैं। आप अपने बच्चे को शुरू से ही अगर फ्रूट्स की सब्जियों की ये चीज़ें खाने की आदत नहीं डालेंगे, उसको नहीं पड़ेगी। अगर आप उसको फिज़िकल एक्टिविटी की आदत नहीं डालेंगे तो वो जल्दी ही थकेगा, उसे बिल्कुल भी आदत नहीं पड़ेगी। ये सारा जो इसका जो है ना क्रेडिट वो पेरेंट्स को जाता है, सिर्फ माँ को भी नहीं। जितनी बच्चे के लिए माँ इंपॉर्टेंट है उतना ही बाप भी इंपॉर्टेंट होता है। और मुझे ये लगता है कि जो आदमी खुद अच्छे फादर्स होते हैं ना, उनके आगे से बच्चे भी जब उन्हें देखते हैं तो उनके बेटे भी अच्छे बाप ही निकलते हैं। माई फादर वॉज लाइक दिस, ही वॉज अ ब्यूरोक्रेट, वो यहाँ वहाँ उनकी पोस्टिंग होती रहती थी और हमारी मदर हमें लुक आफ्टर करती थी, बट माई फादर वॉज नेवर एबसेंट फॉर मी, ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी। हमें पता होता था कि मतलब हमारा जो बाप है जब वो है, वो हमें माँ की जिम्मेदारी नहीं है सिर्फ बच्चे को खाना खिलाना, बाप भी खिला सकता है। और ये चीज़ आगे मैंने अपने भाई में भी देखी कि जब वो काम से वापस आता है तो उसने कभी ये नहीं वेट किया कि मेरी वाइफ बच्चों को खिलाए। क्यों भाई, वो बाप है, वो डाइनिंग टेबल पर डिनर के टाइम अपनी बच्चियों को खुद खाना खिलाता है और उसे करना चाहिए। अगर वो ये कर रहा है तो उसका अपनी बीवी पर एहसान नहीं है, ये बेसिकली बीइंग अ पेरेंट उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चे का जो नेचुरल गार्डियन है वो तो उसका बाप है। और बहुत से जो मर्द हज़रात लेटर ऑन ये कंप्लेन करते हैं कि जी नहीं ये बेगम मोटी होगी, ये होगी वो, भाई वो एक औरत जो आपकी नस्ल चला रही है, जो आपके बच्चे की परवरिश कर रही है, उसका आप पे एहसान है, इस्लामिकली तो उसका एहसान है। जो भी बहुत से लोग इस बात को नहीं मानना चाहते, लेकिन वो जो थोड़ी सी वाइफ की हेल्प कर देते हैं ना, उन्हें लगता है कि ओहो ये तो हमने बड़ा एहसान कर दिया, बड़ी हेल्प कर दी है इसकी। नहीं, इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, जिस तरह से हम घर के माहौल की बात कर रहे थे, आप घर में हमारे पास अक्सर एक्सक्यूज़ होता है घर में जंक फूड वगैरह रखने का कि भाई मेहमान आ गया तो क्या देंगे। मैं पेशेंट्स को ये बात ज़रूर काउंसिल करने की कोशिश करती हूँ कि हमें अच्छे ऐसी कैटेगरी भी होती है कि लोग कहते हैं कि ये वाले इलाज हैं ही बड़े मुश्किल, कि हमें डाइट मैनेज करनी पड़ेगी और हमें फिर डॉक्टर के पास भी आना पड़ेगा बार बार दिखाने के लिए, समझना पड़ेगा चीज़ें। और मैं हमेशा उनसे ये कहती हूँ कि अगर आप इसको सोचें रेट्रोस्पेक्टिवली कि ये चीज़ें मसले कहाँ शुरू हुए थे, आप लोगों ने हमने एक्चुअली खुद ही पैसे गलत चीज़ों पर लगा कर ज़ाया करके अपने आप को बीमार किया, मतलब वही कमाई जो हमने इतनी मेहनत से की कि वो बजाय इसकी हमारी सेहत और हमारी लाइफस्टाइल को बेहतर करने में यूटिलाइज़ हो, वो हम गलत चीज़ों के इस्तेमाल से ज़्यादा खा के ओवर ईट करके अपनी डाइटरी हैबिट्स ख़राब करके बात क्या होती है उस वक्त सारे पैसे उस चीज़ पर लगा देते हैं बजाय ऐसे कि वो यूटिलाइज़ हो आपकी हेल्थ को बेहतर करने में। तो हमें ये समझ नहीं आ रहा होता कि वो चीज़ हमारी हेल्थ ख़राब कर रही है, 10 साल बाद हमें लाजमी किसी को जाकर दिखाना पड़ेगा। और जैसे आपने बात की कि जो हस्बैंड्स होते हैं, कुछ हस्बैंड्स, बाकी मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जो ख़वातीन वाकई इस बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होती हैं कि हस्बैंड्स बात करते हैं या आसपास लोग बात करते हैं, तो मैं इस बारे में ज़रूर उनको भी काउंसिल करती हूँ कि देखिए आपने अपने ऊपर फोकस करना है, आपने किसी के लिए काम नहीं करना, किसी के लिए वज़न कम ना करें, किसी के लिए ना करें, ये आपको पास सिर्फ एक गोल होना चाहिए कि मुझे अपनी सेहत अपने लिए वापस चाहिए, अपनी फैमिली के लिए वापस चाहिए। क्योंकि अगर आप सेहतमंद हैं तो आपके आस पास आपके बच्चे और आपके हस्बैंड और आपके आस पास जो लोग हैं, आपकी सेहत के साथ उनकी खुशी और उनकी हर चीज़ जुड़ी हुई है। तो आपने अपने लिए करना है, एक बात। दूसरी बात ये कि यस, इसमें हस्बैंड का वाकई बहुत बड़ा किरदार आता है, अगर आप फैसिलिटेट कर सकते हैं अपनी वाइफ को तो लाजमी करें। बिकॉज अगर आप कभी, मैं इतना कॉमन ये पैटर्न है ऑफ वाइफ्स के वो सुबह उठती हैं, हम लोग सुबह उठते हैं, हमें नहीं पता होता हमने खाया कि नहीं खाया, हमने पहले बच्चे तैयार करने हैं, पहले बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके बाद फ़ौरन से हस्बैंड को तैयार करना है, उनके कपड़े रखने हैं, उनको खाना खिलाना है और उनको भेज देना है, उसके बाद फिर क्या होता है या थक के सो जाना है या अगर टाइम मिला तो खाना खा लेना। और इस बात को आपके उठने से लेकर नाश्ता करने तक को 3 घंटे हो चुके होते हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा मदर्स को कहती हूँ कि आपने पहले खुद लाजमी खाना है, आपके अंदर एनर्जी होगी तो आप आगे ख्याल रखेंगे ना। तो इसमें फैमिली वाकई फैसिलिटेटर बनती है, बच्चों पर भी आता है कि अगर वो बड़े हैं तो जितना हो सकता है अपना काम खुद करें, कहीं कहीं हम भी बच्चों को काफ़ी पैम्पर कर देते हैं, बड़े बच्चे होते हैं हमारे को नाश्ते जा रहे होते हैं, भैया आपको खुद नाश्ता बनाने की एज है, तो ये ज़रूरी है। ये मैं हमेशा कहती होती हूँ कि ये जो लाड प्यार होता है ना, इसकी टाइप होती है, ये लाड नहीं है कभी भी कि मेरा बच्चा जो है वो हैप्पी है या वो सैड है तो मैं उसे जाके कपकेक ला दूँ, मैं उसको चॉकलेट दे दूँ, दिस इज़ नॉट प्यार। आप इन, अगर आप इसको सोचो इन अ लॉन्ग रन, आप तो अपने बच्चे को थोड़ा 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 करके जहर दे रहे हो फॉर हिज बॉडी। इन चीज़ों में बैलेंस होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही चॉकलेट्स बहुत ही बुरी हैं कि आप बिल्कुल ही ना लो, बैलेंस होना चाहिए, बच्चे को पता होना चाहिए कि भाई ये टाइम है और इसी टाइम मिलेगी। से मिसाल देती हूँ अपने बेटे की, इतना ज़्यादा सोसाइटी में मैं देख चुकी हुई थी कि बच्चे गलत ही खाते हैं,
मुझे भी यही लगता था कि ठीक है किताबों में लिखा हुआ है, पर मुझे लगता है पाकिस्तान के बच्चे गलत ही खाते हैं, क्योंकि इतना देखा अपने आसपास और फिर सोचा कि नहीं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ बेहतर, और फिर जो जो किताबों में पढ़ा, जो अपना दिमाग ने काम किया, अपनी अकल ने काम किया, तो मैंने वाकई ये चीज़ इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है। बहुत मुश्किल कि आप बच्चों के जो आप चाहते हो बच्चे करें आपने वही करना है, बच्चा जल्दी सोए आप साथ लेटो, बच्चा जल्दी उठे आप साथ उठो, बच्चा हेल्दी एक्टिविटी करे आपको भी साथ साइकिलिंग करनी पड़ेगी, शायद आपको पीछे पीछे साइकिल के भागना पड़ेगा मे बी, ठीक है, अगर आप सुबह 6 बजे उठाना आप चाहते हो किसी हेल्दी एक्टिविटी में लगे। और जैसे नाश्ता, नाश्ते से मुझे बहुत आई वॉज़ वेरी वरीड कि शायद नाश्ता नहीं करते, मतलब बच्चे नाश्ता नहीं करते, मैंने कभी नहीं सुना बच्चों को नाश्ता करते हुए, बच्चे दूध पीते हैं बहुत बहुत करेंगे ना बच्चे, हाँ। दूध पियेंगे चले जाएंगे, और मोस्टली एक बच्चा इशू बताता है बहुत कॉमन है कि नाश्ता मैं इसलिए नहीं करता, और इवन बड़े भी कुछ मैं हम नाश्ता इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें उसके बाद नौजिया सा फील होता है ट्रैवल में ना, उसका रीज़न क्या है, आप खाते और फ़ौरन बैठ जाते हैं गाड़ी में, तो इसको अगर आप तोड़ें इस इशू को, यही होता है इस इशू को अगर आप तोड़ें तो एक्चुअली हो क्या रहा होता है, रात को लेट सोया जा रहा होता है, सुबह बिल्कुल जॉब के टाइम पे और स्कूल के टाइम पे उठा जा रहा होता है, अब बॉडी ना ऊपर बेदार हुई है सही से, फ़ौरन से आपको खाना पड़ गया है, अब बोल तो बच्चा तो मुंह बंद कर लेगा कि नहीं खाना है क्योंकि उसको फीलिंग ही नहीं आ रही, उसको घंटा पहले आपने कम से कम स्कूल से 2 घंटे पहले उठाना है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, आई वुड अगेन से इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, पर करना पड़ता है अगर आपको चाहिए। और पता है बच्चे की अगर आपने फर्स्ट 6 ईयर्स ऑफ लाइफ में, चाइल्ड साइकोलॉजी यही कहती है कि बच्चे की 6 ईयर्स ऑफ लाइफ में आपने जो पहले 6 साल है वहाँ जो हैबिट, अगर बच्चे की खाने पीने उठने बैठने की जो हैबिट डेवलप हो गई कमो बेश वही रहती हैं, यस बच्चे को चेंज भी कर लेते हैं जिनको बहुत समझ बूझ होती है बड़े हो गए कि नहीं ये चीज़ इज़ हार्मफुल फॉर मी, पर देन वो बच्चे भी बहुत डिफिकल्ट है, वो हमारे लिए फिर बच्चे मतलब अगर मेरे अंदर कोई हैबिट्स कोई उल्टी सीधी थी डिवेलप थी थे मसले मसाइल में भी नाश्ता नहीं करती थी क्योंकि मैं लेट उठती थी। ठीक है, यहाँ पे सवाल आप सबसे ही आप लोग जवाब दीजिए इसका कि अगर आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि जो ये कहते हैं कि हम सिर्फ रोटी खाते हैं और सादा खुराक और आप हिस्ट्री लेते हैं लेकिन स्टिल दे आर फैट और प्री डायबिटीज, उसकी क्या वजह हो सकती है फरहान आपके ख्याल में, क्या वजह, मतलब वो पेशेंट जब भी आते हैं तो अंडर और ओवर रिपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें छुपा देते हैं, फिर जब आप उनका फूड फ्रिक्वेंसी चेक करते हैं अच्छा आप महीने में ये कितना लेते हैं ये कितनी चीज़ें लेते हैं तो वहाँ पर आके आपको कुछ ना कुछ पता चलता है, फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं तो पता चलता है नहीं यहाँ पर ये प्रॉब्लमेटिक है, कुछ चीज़ें स्किप कर जाते हैं नहीं बताते, कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल होती हैं खाने के बाद अक्सर घरों में लाजमी पी जाती है वो स्किप कर देते हैं, बिल्कुल, और क्वांटिटी पोर्शन साइज नहीं बताते, वो कहते हैं इतना सा खाया था वो इतना सा क्या था नहीं पता, वो कहते हैं छोटी प्लेट और छोटी प्लेट वो कितनी छोटी प्लेट थी वो इतनी छोटी प्लेट। अच्छा मैं रिबेका ये भी जरूर आपसे पूछना चाहूंगी जो आपने क्वेश्चन किया बहुत जबरदस्त था, इसमें एक फिजिकल एक्टिविटी का भी बहुत बड़ा अमल दखल है, लगी थी क्योंकि शिफा ने जो सवाल किया जो मरीज है ना आप देखें हमारी जो हमारी पॉपुलेशन जो है ना वो घड़ी देख के चल रही होती है, नाश्ता उन्होंने 11 बजे किया होगा लेकिन ठीक 2 बजे उन्होंने दोपहर का खाना खाना है, पिछला अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ, आपने अपनी बॉडी को नहीं देखा। दूसरी बात है जो ये जितना आप कुदरत से दूर जाएंगे उतना आपके हैबिट्स आपकी जिस्म का निज़ाम ख़राब होगा, सोने का निज़ाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 8 घंटे की मिनिमम साइंस ने कही है ये ज़रूरी है, बच्चे आजकल के सोते ही नहीं हैं वो रात को 12-12 बजे तक जागते रहते हैं और उस वक्त भी उनके हाथ में गैजेट्स ही होते हैं, ये बहुत बड़ा मसला है और जाहिर है अगर वो और फिजिकल एक्टिविटी तो है ही नहीं, जब से ये कोविड आया उसके बाद से तो और ज़्यादा काम खराब हुआ है, उससे पहले भी अब शिफा मैं सिर्फ इस वजह से इसको कोट करती हूँ कि क्लास रूम्स 20 के अंदर ऑनलाइन जाहिर स्टार्ट हो गए और बच्चों ने ये चीज़ हैबिट ही बना ली कि वो जहाँ बैठे हुए होते थे ना वहीं बैठ के वो क्लास लेते थे, उसके बाद ऐसे लेटे हुए वहीं खड़े हो गए पकड़ा टैब और वहीं पर वापस लेट गए, फिजिकल एक्टिविटी तो सत्यानाश हो गई ना बच्ची ही नहीं बिल्कुल भी, तो बच्चे जो उठ के जाते थे स्कूल वहाँ पे उनकी फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस होती थी वो सारी बिल्कुल ख़त्म हो गई, तो उसके बाद वो बच्चों में बहुत ज़्यादा टेंडेंसी देखी गई है मोटापे की, तो ये बहुत बड़ी वजह है जो शिफा ने सवाल किया कि वो जब आके कह रहे होते हैं फिर रोटी भी वेरी कर रही होती है उसका साइज़ कितना है, फिर आने कहा कि हाँ वो समटाइम्स रिपोर्ट प्रॉपरली नहीं कर रहे होते, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। वही ना आप जरा इस बारे में ज़रूर आपसे मैं चाहूँगी कि आप इस पर ज़रूर रोशनी डालें कि फिजिकल एक्टिविटी को समझाना पेशेंट को इसमें क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ये भी ऐड कीजिए जो प्रोफेशनल्स हैं वो बहुत कंप्लेन करते हैं हम सारा दिन ऑफिस वर्क होते हैं उनको कैसे कर सकते हैं, वो भी कहते हैं हमारा सादा खाना होता है ये चीज़ होती है हम क्या चीज़ क्या सिलेक्ट करें, कभी कभी हमें कंपनी की तरफ से खाना मिल रहा है उसमें आप क्या सजेशन दे सकते हैं। अच्छा सबसे पहले तो जो मुझे एक प्रॉब्लम है बड़ी देर से डिस्कस करना चाह रही थी कि हम हेल्थ को प्रायोरिटाइज इतना नीचे है वो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में
कि जब तक हमें वो फिजिकल नजर नहीं आता कि अब ओवरवेट हो गए हैं या आप देखें जब जिस्म की बस नहीं हो जाती, बस नहीं हो जाती, आप पेशेंट से पूछें कि वो क्यों आए हैं, वो ये नहीं कहेंगे कि हमें एनर्जी नहीं फील हो रही या हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी काम की कैपेसिटी कम, वो अक्सर उनके साथ अगर जो होगा ना वो कहेगा कि इसकी शादी करनी है, इसने वेट लॉस करना है, या मेरे हस्बैंड कह रहे हैं वेट लॉस कर लो, यानी इतनी नीचे है हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में हेल्थ कि वो कहीं प्रिवेंशन, क्योंकि न्यूट्रिशन सारी प्रिवेंशन साइड पे, तो वो जब तक ट्रीटमेंट के काबिल नहीं हो जाते वो आते नहीं हैं, फिर उन्हें शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट चाहिए होता है। हालांकि अगर हम छोटी छोटी चीज़ें ये ऐड करें, जिस तरह अभी हमने कहा है कि बड़ी पेशेंट्स में, तो क्योंकि चैरिटी हॉस्पिटल में भी मॉर्निंग में बैठती हूँ तो वो कहते हैं हम तो कुछ भी नहीं खाते, तो हमने तो डॉक्टर साहब उबली सब्जियाँ भी खाना शुरू कर दी हैं, कुछ नहीं हुआ, चावल छोड़ दिए हैं, क्योंकि उनका एक तो पोर्शन साइज़ बहुत ज़्यादा, सेकेंडली फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं, और वो है भी तो वो बस टहलते हैं, बातें करते हैं और वापस आ जाते हैं, यानी उनकी पेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, फिर किस तरह हमें बॉडी को स्ट्रेच करने की ज़रूरत है। आप कहते हैं कि सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग, आप इतनी लंबी देर बैठे रहते हैं वो आपकी हेल्थ के लिए बड़ा, और हम डेस्क जॉब्स पर होते हैं, अब भूख तो लग रही है लेकिन वो आप कोई ऐसी आपने कन्वेंशनल सी चीज़ ले ली खाने के लिए, आपकी वो चाय से आप जाग तो गए हैं लेकिन वो चीज़ आपकी फुलफिलमेंट नहीं करी। तो मील के लिए एक प्रॉपर टाइम साइड पे निकालना, जैसे हम घर में करते हैं कि डाइनिंग है, खाना है सारे, जैसे फरवा ने अभी बात की कि हमने रोटी सालन योगर्ट सैलड बैलेंस डाइट हो गई, वो हमारी बहुत कम होती है, अगर उसी में हम करें ना तो हमारा वो कार्ब्स का इतना पोर्शन कंट्रोल हो जाता है, जब आप सैलड और योगर्ट और प्रोटीन और साथ ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, अच्छा खासा पोर्शन बन जाता है एट द एंड ऑफ द डे, वो लाइक मील के एंड पूरा मील हो जाता है, फिर ये नहीं होता कि आपके कार्ब्स इतने ज़्यादा हो गए, फिर जब उनको वो फिर उन्हें लगता है कार्बो दुश्मन है छोड़ दो कीटो पे चले जाओ, हालांकि ऐसा नहीं है, अगर आप शुरू से वो बैलेंस मेंटेन, या जिस तरह अब हम बच्चों को माई प्लेट सिखाते हैं कि ये चार चीज़ें आपके डे में होनी चाहिए, तो जब यूं ही पोर्शन कंट्रोल करें फिर आपका वो कैलोरी काउंट इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप इस स्टेज पे पहुंचें कि अब कैलोरी रिडक्शन मैसिव चाहिए। तो मेरा ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि लोगों के लिए हेल्थ प्रायोरिटी बड़ी लेट आती है, डॉक्टर को पैसे नहीं देने, रोटी चावल आलू दाल ये सब एक ही मील में होगा, सब वो कहने को वो सादा खुराक खा रहे हैं और घर की खुराक खा रहे हैं, लेकिन वो सारे के सारे एक ही जी आलू की भुजिया के साथ रोटी साथ दाल, और तो वो उससे यानी कि फिर यहाँ पे डाइटिशियन की एक्सपर्टीज आ जाती है कि हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप कोई फैंसी चीज़ ख़रीद के लाएँ, वही चीज़ें लेकिन कॉम्बोज मैटर कर रहे हैं कि एक तो मिथ से प्लीज़ देख लें कि अंडा गर्म है तो गोश्त गर्म है तो इस हालत में ये नहीं देना, मछली नहीं देनी, मछली तो थ्रू आउट द ईयर आपको लेनी चाहिए और यहाँ पे अच्छी सस्ती मिल भी जाती है, मछली के सिरे, मछली के सिरों में से ओमेगा 3 आपको मिल जाता है, अगर आपको एक अच्छा डाइटिशियन हमेशा आपको लो बजट पर भी सिखा देगा कि आपने किस तरह से खाना, प्याज के साथ रोटी, अच्छा अदरक की और टमाटर की इतनी अच्छी चटनी बन जाती है उसके, और वो मज़े की बात ज़रा से आप ऑलिव ऑयल या कोई सा भी ऑयल है आपका आप उसके अंदर डालें, उसका लाइकोपीन कंटेंट भी ज़्यादा हो जाएगा, अदरक की सारी फादियत आ जाएगी, हल्का सा नमक मिर्च डालें, हरी मिर्च उसके अंदर डालें, विटामिन सी आपकी पूरी होगी, तो बेहतर आप रोटी के साथ उसको इंजॉय करें। तो ये इस तरह की सिंपल चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर आपने वो वाला खाना खाना है जी नान के साथ चने ही लेने हैं या ट्रेडिशनल उस पर जाना है तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। मेरा ख्याल है इसमें बिहेवियरल चेंजेस पर ज़रूर बात करना इंपॉर्टेंट है कि आपने जब भी कुछ करना है ना, मैं कहती हूँ खैर डाइटिंग नहीं, लाइफ का कोई भी चीज़ है, कोई भी काम करना है, जब तक आपका माइंड आप कंप्लीटली फोकस्ड नहीं होना और उस चीज़ को आपने गोल नहीं बनाया, अगर आपकी बाकी जिस तरह आपने मोइना कहा प्रायोरिटी लिस्ट में है ही हेल्थ बहुत नीचे, तो आप क्या आज कर लो किसी कहने पे कोई 20 डेज चैलेंज कर लोगे जिस तरह से चल रहा होता है कुछ ना कुछ वो कर लोगे, पर अगर आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहिए वो 20 डेज 30 डेज चैलेंज की बात नहीं है, वो है कि आपने अपना पूरा पूरा बिहेवियर चेंज करना है। जैसे ये बिहेवियर है कि समझना कि बस नान चने ही नाश्ता है, हलवा पूरी ही नाश्ता है, वीकेंड पर हलवा पूरी ही आएगी क्योंकि हम सब फन करेंगे बैठ के ना साथ, हमने ही खुद इन चीज़ों को एक फन एलिमेंट बना लिए कि भाई खाबे होंगे प्रॉपर और उसके बाद ये लहदा बात है बात राइजी खा के रात को लोग सो रहे हो, और हम फूड पे सोशलाइज करते हैं। अच्छा मैं इसको भी बुरा नहीं कहती, मैं कहती ठीक है कर लें, आप चीज़ बदल दें, आप अच्छा खाना भी तो हो सकता है, हम अच्छी एक हेल्दी रूटीन भी तो हो सकती है, कि हेल्दी डाइट भी तो हो सकती है, तो ये वाली चीज़ समझना कि मुझे अपना बिहेवियर चेंज करना दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ज़िंदगी में मेरा ख्याल है कुछ भी करना हो ना अगर आपका बिहेवियर आपने चेंज ना किया तो उससे आपको शॉर्ट टर्म फायदा, सिर्फ शॉर्ट टर्म 2-4 kg तो गिर ही जाते हैं, इतना तो गिर ही जाता है, वो जो शॉर्ट टर्म गोल्स जो है ना उनसे मेरा ख्याल है जब डाइटिंग की बात आ रही है शॉर्ट टर्म गोल से निकलना है, और प्लीज़ गूगल नहीं करना कि मेरी इतनी हाइट है तो कितना वजन होना चाहिए और कितनी देर में कितना होना चाहिए, फलाने का इतने में हो तो मेरा भी इतना होना चाहिए, तो यहाँ पर बहुत लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। अरे सेशन कंक्लूड करने के लिए मैं चाहूँगी कि आप सब अपने
जो भी आपके माइंड में, क्योंकि हर डाइटिशियन का एक होती है ना कि मैं इस तरह से प्रैक्टिस करती हूँ, मेरा ख्याल है ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, सबको पता होना चाहिए, अगर आप लोग सब एक एक पॉइंट जो है वो शेयर कर दें तो। मुझे लगता है फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे दिन में, लाइक एक टाइम निकालना चाहिए, चाहे 20 मिनट निकालें लेकिन लाजमी निकालें उसके लिए, और टाइमिंग्स फिक्स रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जितने भी डाइट प्लान्स दे दें, हम जो मर्ज़ी कर लें, जब तक हमारे पेशेंट ने कंप्लायंस नहीं इंश्योर करनी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरह एक सिंपल सी बात है, हम नॉर्मली आम जुबान में लोग इसको डाइटिंग बोलते हैं, लेकिन हम डाइटिशियंस की ज़ुबान में इसको वेट मैनेजमेंट बोलते हैं, अगर किसी ने अपना वज़न कम करना है या ज़्यादा करना है। और वेट कम करना हम सबको पता है मुश्किल नहीं है, उसको मेनटेन करना प्रॉब्लम है। एक दफ़ा आपने एक फैंसी डाइट जो लोगों को शॉर्टकट्स चाहिए उस पे चल पड़े, तो उसके बाद में आप कहते हैं अच्छा अब ये छोड़ दिया, वापस वज़न क्यों बढ़ा। भाई जो शॉर्टकट्स हैं उनमें इसी तरह होता है। तो जो बेसिक आपका इसमें फोकस है ना, वो काउंसलिंग और आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे होना चाहिए। जब आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे तो उसके अंदर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी खुद ही ऐड होगी, आपकी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो भी आ जाएंगी, जिसमें बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो बच्चों पर छोटी एज से ही रखना चाहिए, जो उसकी लाइफ के फर्स्ट 1000 डेज हैं, हम उसको विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, जो कि उसकी माँ के पेट से लेकर 2 साल की उम्र तक है। उसमें बच्चे को जितनी अच्छी आप डाइट देंगे, जितना वो अच्छा फिजिकली एक्टिव होगा, उतनी अच्छी उसकी लेटर ऑन लाइफ में ग्रोथ होगी। लेकिन अगर उस स्टेज पे बच्चे की स्टंटेड ग्रोथ रह गई है, देन वो एक इरिवर्सिबल लॉस है, हम उसको कभी वापस नहीं ला सकते। उसके बाद अगर आप जिस भी डाइटिशियन के पास जाएं, ये कहें इसका कद बढ़ा दें, ये कर दें, वो मौजदन तो हो सकता है, लेकिन अगर एक दफ़ा ग्रोथ इफेक्ट हो गई, हम उस वाले स्टेज को वापस नहीं ला सकते। तो जो आपकी है ना अपनी काउंसलिंग, मदर्स की, फादर की, दोनों की, पेरेंट्स की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी लोग आते हैं, मुझे यही लगता है कि मेरा हमेशा जितनी भी कंसल्टेशन, मेरे पास जब भी कोई पेशेंट आता है उसको पूरा 1 घंटा लगता है कंसल्टेशन पे। और उसमें रीज़न ये है कि एक तो एक डाइट प्लान हर किसी को फिट इन नहीं हो सकता, हर किसी की बॉडी रिक्वायरमेंट्स, बॉडी टाइप डिफरेंट है। कुछ लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग सूट करती है, मुझे नहीं करती, मेरा उससे मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है। तो हर किसी की बॉडी डिफरेंट है, तो लोग जो अपने डॉक्टर खुद बनते हैं ना, वो बेसिकली वहाँ पे गलत करते हैं। और बेहतर है कि जो आपने खुद से एक चीज़ जो है उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है, कि एक आपने बना बनाया डाइट प्लान या आपके किसी जानने वाले ने एक डाइट फॉलो की, उसको फ़र्क पड़ गया, तो आप फ़ौरन उसको ना फॉलो करें, आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट कर लें। और जब आप कर लेंगे तो आपको इन द लॉन्गर रन उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि जब तक आपकी काउंसलिंग, आपको पोर्शन कंट्रोल, आपको हम ऑल्टरनेट ही नहीं बताएंगे कि अगर आपने कहीं आप गए हैं, आपको वहाँ पे रोटी नहीं अवेलेबल, सपोज़ आपको राइस है, तो आपने कितने खाने हैं, आप तो एंड में वो 1-2 प्लेट्स ही खा कर आएंगे ना, तो वज़न तो आपका वहीं पर रहेगा। तो जो मेन है ना इसमें हमारा एलिमेंट, हम जितनी भी इंटरवेंशन बता दें क्लाइंट को, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसकी काउंसलिंग। एक और चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है मेडिसिन के यहाँ करना चाहूँगी, वो ये कि जिस तरह भी आपको इंटरनेट पे मटेरियल मिलता है कि ये खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, जो एक चीज़ मेंशन नहीं होती अमूमन, बल्कि 99% ऑफ द टाइम मैंने जो इशू देखा है, वो कभी एज ग्रुप नहीं लिखा होता, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपको एज ग्रुप लिख नहीं सकते, वो एक जनरलाइज बात हो रही होती है। तो हमें इस चीज़ को लेकर वी शुड बी वेरी माइंडफुल ऑफ दैट, कि एक जनरल गाइडलाइन है ये, और इस पर हम अपनी कुछ हद तक तो चीज़ें सेट कर सकते हैं, और जहाँ ना समझ आए कंसल्ट द पर्सन, द जो इस फील्ड का है, जो प्रॉब्लम है आपको उस फील्ड के बंदे के पास जाना पड़ेगा। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि पेशेंट्स को मैंने, मेरे पास आए हैं तो डिमोटिवेटेड ही आए कि हमारा तो होता ही नहीं है, और मैं उनसे कहती हूँ कि आपने अब ये अब खुद से नहीं कहना कि मेरा नहीं होता। जब आप आए नेगेटिव माइंडसेट से हैं तो बॉडी उसके हिसाब से आपके क्यों, जो आपकी फील कर रहे होते हैं, बॉडी भी वैसे ही ऑपरेट कर रही होती है। तो पहली बात आपने नेगेटिविटी ना इस दरवाजे से बाहर फेंक के चली जानी है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि हैविंग सेड दिस कि आप इंटरनेट पर जो भी मटेरियल अवेलेबल है उस पर एज ग्रुप्स मैंशन नहीं होते, तो आपने किसी का डाइट प्लान देके इस्तेमाल कर लेना या इंटरनेट से बस पकी पकाई चीज़ का इस्तेमाल कर लेना, उसमें अक्सर औकात उल्टा आप नुकसान भी आपको हो सकता है। जैसे कि एज ग्रुप्स पे चीज़ें होती हैं, अब बच्चे की रिक्वायरमेंट, और अगर आप टीनेजर को किसी एडल्ट का डाइट प्लान फॉलो कराओगे वो तो काम ख़राब है। टीनेजर को हम इतना रिस्ट्रिक्ट कभी कभार नहीं कर सकते, क्योंकि एडल्ट्स में हमेशा कोई ना कोई बीमारी चल रही होती है, कोई चीज़ छुड़वाई होती है या कम करवाई होती है। अब अगर मिसाल के तौर पर आप मटन बीफ को ही ले लें, मटन बीफ काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हमें करवाना पड़ता है, बिकॉज हमारे जब लोग अमूमन 35-40 क्रॉस करते हैं तो लिपिड प्रोफाइल ख़राब हुई होती है, 2-4 मसले चल रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर के इशूज़ होते हैं, ओवर वेट होते हैं, और तो मतलब ओवर वेट अच्छे खास होते हैं, हमारे यहाँ 80-90 kg वेट होना एक बड़ी कॉमन सी बात है, मर्दों में भी औरतों में भी।
अब अगर वही डाइट प्लान अगर कोई किसी ने एडल्ट को दिया है और वो टीनेजर यूज़ कर रहा है और उसकी डाइट में वो चीज़ें नहीं हैं, आप प्रोटीन का इतना बड़ा पार्ट आपने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, तो वो प्रॉब्लम है। तो जब भी आपने डाइट की मुतल्लिक चीज़ें देखनी है तो अपने एज ग्रुप, अपनी फिजिकल एक्टिविटी, अपनी चीज़ों को बहुत मद्देनजर रखना है। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर फिजिकल एक्टिविटी का कहो कि हम घर के काम सारे करते हैं तो दिस इज़ फिजिकल एक्टिविटी, मैं कहती हूँ ये तो एक जानदार के निशान है कि आपने काम खुद करेंगे, आपने खुद ही करने हैं घर के काम, खुद ही करने हैं, सीढ़ियाँ खुद ही चढ़नी है। जो वेट लूज़ करने के लिए, हेल्थ मेंटेन के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है वो 30 मिनट वाली, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ ये वाला माइंडसेट चेंज होने की बहुत ज़रूरत है कि सिर्फ बीमार के लिए वॉक नहीं है, वॉक सिर्फ ओवरवेट के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए है। मैं शायद जब भी आउट ऑफ कंट्री जाती हूँ ना, इंतहाई देखे शर्मिंदगी होती है कि वहाँ सुबह सुबह लोग ट्रैवल के लिए ही आए हुए हैं पर उन्होंने अपना जो है जॉगिंग का पूरा ड्रेस रखा हुआ है, जॉगर्स भी रखे हैं और वो सब वॉक कर रहे होते हैं। और मैं जब भी जाती हूँ मैं हमेशा देख के यही हैरान होती हूँ कि हमारे यहाँ चीज़ है ही नहीं। और जिस तरह पार्क्स की बात होती है, पार्क्स वही बात है कि कोई करता नहीं तो पार्क्स बनाता नहीं है कोई, क्योंकि पार्क्स भी वही लोग कहेंगे ना कि डिमांड ही नहीं है, डिमांड सप्लाई वाली बात है। जब पता करता ही कोई नहीं तो उसी जगह वो बिल्डिंग खड़ी करना ज़रूर समझेंगे, वहाँ पर बर्गर जॉइंट को ज़रूर बन जाएगा, वहाँ पार्क नहीं बनेगा हमारे यहाँ। मेरा ख्याल है कि माइंडसेट हमें हम सबको ही चेंज करने की, अपने घरों में चेंज करवाने की ज़रूरत है कि पहली बात कि अपनी एज के हिसाब से आपने फूड सेट करने हैं। पोर्शंस की मैं बेसिकली बात कर रही हूँ कि हर एज में पोर्शन मुख्तलिफ है। छोटा बच्चा अगर 2 ग्लास दूध पिएगा, 1 ग्लास पिएगा, मे बी एक एज पे आप जाओ आपको मना हो जाए या वैसे मे बी आपको हजम उस तरह से ना हो पर आपको नहीं मैंने दूध तो पीना बिकॉज मैं तो बचपन से पीता आ रहा हूँ, तो आपने एज के हिसाब से अपनी डाइट चेंज करनी है। फिजिकल एक्टिविटी इज़ फॉर एवरीवन। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी कि बैड हेल्थ या बुरी सेहत या सेहत का ख्याल ना रखना ये भी अपनी इकोनॉमी के ऊपर बर्डन डालना है। आप मुल्क पर बोझ बन रहे हैं, आप मुल्क की मोटापा भी जो है वो एक इकोनॉमिक बर्डन का होता है क्योंकि ये भी एक इसराफ के अंदर आता है कि वो सारा खाना जो कहीं यूज़ हो सकता था, वो सारी एनर्जी जो कहीं और यूज़ हो सकती थी वो आपने खाम खा अपने अंदर डाली, फिर आप बीमार हुए, फिर आप जो मेडिकल हमारा है सिस्टम उसके ऊपर बोझ बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसका भी ध्यान रखें कि सिर्फ अपनी जो खाना खा रहे हैं वो आप लगता है हम खा रहे हैं लेकिन उसका माशरे पे भी इफ़ेक्ट जा रहा है, कहीं ना कहीं रिपल इफ़ेक्ट जाता है। दूसरी बात ये कि सुन्नत सिर्फ अपेरेंस नहीं है, दुबला होना, कम खाना और खाने के अंदर ध्यान रखना ये भी सुन्नतें हैं और इस ये भी करके आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िंदा रख सकते हैं। तो ये चीज़ भी ज़रूरी है कि रिलीजियसली भी आपको बहुत अच्छी गाइडेंस उसके अंदर मौजूद है। सादा खुराक के साथ आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। प्रायोरिटाइज़ करना जैसे मोइना ने बताया वो बहुत ज़रूरी है, अपने आप से सेल्फ लव, अपने ज़िंदगी के लिए, अपनी ज़ात के लिए प्रोडक्टिव होना ताकि आप दूसरों को भला कर सकें, ये भी सुन्नत है। और ये आपके मुल्क के लिए, क्योंकि हम एक बिलो डेवलपिंग कंट्री से बिलोंग करते हैं तो हमें एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते हमें एक अच्छा खाना और सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट डेथ्स इन द वर्ल्ड आर प्रिवेंटेबल एंड रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, तो हमें अपनी जो खुराक है उसमें वैरायटी और मॉडरेशन को लाजमी लेके आना है ताकि हम इन चीज़ों से बच सकें। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हम सबकी ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती वैसे हमारी बॉडी और फिजियोलॉजी भी एक जैसी नहीं होती, तो उसके लिए हमेशा जब भी जाएं किसी एक्सपर्ट की राय ज़रूर लें और इंटरनेट बेस्ड नॉलेज पे आंखें बंद करके यकीन ना करें। अच्छा, मेरा मैसेज तो यही है कि हम डाइट को ये नहीं कि एक साइडलाइन चीज़ समझें या दवाइयों के साथ एक छोटा सा परहेज समझें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप दिन में मिनिमम 3 और मैक्सिमम 6 दफ़ा तो कुछ खा ही रहे हैं और जो आप खा रहे हैं वो आइदर आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है या हार्मफुल हो रहा है। तो वो चीज़ जो आप डेली आपके पास 6 मौके आते हैं उसको ठीक करने के, आप देखें कि उसकी कितनी पावर है, क्या वो छोटे छोटे स्टेप्स पे सिर्फ अपने मील्स मॉडिफाई करके आप किसी बड़ी डिजीज़ से बच सकते हैं। तो इसको एक शॉर्ट टर्म चीज़ या बस थोड़ी सी देर का परहेज ना समझें बल्कि एक लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बनाएं। थैंक यू। अच्छा, इन सब के साथ जो सादा खुराक, फिज़िकल एक्टिविटी, इन सब के साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों के अंदर शुगर गुजारी बिल्कुल भी नहीं है, अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा, अगर हम उनको देखना शुरू करें तो हमारे पास तो टाइम ही ख़त्म हो जाएगा और वो हम गिन भी नहीं सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है, हमें नमाज़ पढ़ के उस रब का शुक्र अदा करना चाहिए और उसके बाद स्ट्रेस हमें सबसे पहले अपनी नमाज से अपना रिलीव करना चाहिए और पॉजिटिव थॉट्स लेके आनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। और क्या कहते हैं, क्योंकि ये इन सब ये सादा सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं, लाइफस्टाइल हेल्दी लाइफस्टाइल की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। ये बात मुझे बहुत सारे मरीज़ पूछते हैं कि इसके बाद हमारा वज़न दोबारा तो नहीं आएगा, तो मैं कहती हूँ कैसे हो सकता है, अगर आप दोबारा से उसी तरह खाना शुरू कर देंगे तो दोबारा से वापस आ जाएगा। ये आपने मॉडरेशन रखनी है, हमें हमारी सुन्नत ने भी ये सिखाया, हमारे मज़हब ने भी ये सिखाया, तो हमें उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना चाहिए और इसी में आफियत है।
थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत अच्छा सेशन था और बहुत हमें चीज़ें आपस में एक दूसरे से भी सीखी समझी, और मेरा ख्याल है जान जो सुनने वाले हैं हमारे उनको भी काफ़ी जो है एक यू नो फर्स्ट हैंड नॉलेज फ्रॉम द टॉप डाइटिशियंस ऑफ लाहौर मिलेगी। आई वुड रिक्वेस्ट आप उसे बहुत बहुत शुक्रिया जी, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं सुन रहा था और मेरे जहन में नए मौजूद आ रहे थे, वैसे मेरा दिल कर रहा था कि किसी दिन ऐसा फॉरम होना चाहिए जिसमें हम मदर्स को बुला लें, फिजिकली यहाँ बुला लें। आप याद है यहाँ हमारे जो हेल्थ के सेशन होते थे बड़े क्राउडी सेशन माशाल्लाह होते थे, बड़े लोग आ जाते थे, तो वो मदर्स को बुलाएं और हम उन्हें सिखाएं कि एक अच्छा लंच बॉक्स क्या हो सकता है। यानी ये कहीं कोचिंग ट्रेनिंग है ही नहीं। एक सवाल मेरा वो ज़रूर है, वो चाहें तो आप में से कोई अभी एड्रेस कर ले। बाज़ औक़ात मियाँ बीवी एक को एक यानी कपल में से एक ऐसा बंदा है जिसको डाइट की समझ है या वो थोड़ा सा कॉन्शियस है कि ये जो चीनी के डब्बे में से चीनी निकाल निकाल के मुंह में डाली जा रही है माँ, या फिर जंक फूड खिलाई जा रही है, या बटर चीज़ हर खाने में कहीं ना कहीं जाती जा रही है। जो दूसरा लाइफ पार्टनर एक जो हिस्सा है बेटर हाफ मिल कहते हैं, वो नहीं अंडरस्टैंड कर रहा, वो कह रहा जी नहीं है तो खाते ही है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ ये कॉन्फ्लिक्ट है मेल में फीमेल में, मेल रख रहा है शऊर, वो कह रहा है खुदा का नाम है यार ये कैंसर का आज है, डेली तुम एक बॉक्स में से फ्रोज़न आइटम निकाल के फ्रीज़ करके इनके टिफ़िन में डाल के दे देते हो, और वो कह रही है नहीं और मैं क्या करूँ, ये इसका सोल्यूशन कोई है आप लोगों के पास? मेरा ख्याल है इसमें ना मैंने एक चीज़ चाचा साहब नोट की थी, इसमें मैंने अपनी भी जब बेटी की मिसाल दी तो मैंने यही बात डिस्कस की थी, कुछ चीज़ें वाकई इतनी देखी गई हैं ना कि हमें लगता है शायद है ये, हमने बच्चों के लंच बॉक्स ना इतने देखे हैं बनते हुए ये फ्रोज़न आइटम्स से कि हमें लगता है शायद ऑप्शन ही ये है, तो ये चीज़ वाकई डिफ़िकल्ट है। पर हमें कोई बेबी स्टेप्स लेके मिसाल के तौर पे, जैसे बच्चा अगर बार बार कोई हर दो घंटे बाद चॉकलेट खा रहा है, चॉकलेट निकाले घर से बाहर रख दें, उसके बाद जब आपको लंच बॉक्स मिसाल के तौर पर बात की है तो जब तक आप ख़ुद भी वो चीज़ निकाल के घर से बाहर, क्योंकि देखिए आप बच्चे को नहीं दे रहे पर वो नगेट्स फ्रिज में ही पड़े हुए हैं, शाम को मेहमान आए नगेट्स उसके सामने जा रहे हैं, तो बच्चा लंच बॉक्स में चलो शायद चुप कर जाए पर शाम को जाकर उस प्लेट में से निकालने की कोशिश करेगा बिकॉज वो चीज़ घर के अंदर पड़ी हुई है। तो अगर हेल्दी लाइफस्टाइल को अगर आपने पूरे घर का उस चार दीवारी का हिस्सा बनाना है, मेरा ख्याल है वो फिर सबको ही प्रैक्टिस करना पड़ता है, और देन फिर पार्टनर सबसे पहले जब प्रैक्टिस करते हैं ना उसके बाद फिर बच्चों में बात आती है, और दोनों में से लाइफ पार्टनर में से बेशक मेल को समटाइम्स मदर्स बड़ा अच्छा कर रही होती हैं, और जिस तरह हमारे यहाँ रिवॉर्ड होता है फूड के बच्चे ने कुछ अच्छा किया आओ बाहर चले ना चॉकलेट दिला के लाता हूँ तुम्हें, तो हमें ये रिवॉर्ड्स वाली चीज़ बहुत बदलनी पड़ेगी, हमें ओवरऑल उस चार दीवारी का माहौल ही बदलना पड़ेगा कि हेल्दी लाइफ स्टाइल हेल्दी फूड का खाना शुड बी अ नॉर्मल थिंग। बड़ी ही स्ट्रगल होती है स्पाउसेस अगर अच्छा खातून अगर ऐसी हैं और हस्बैंड थोड़े से डिफरेंट हैं तो फिर प्यार मोहब्बत से आहिस्ता आहिस्ता मे बी उसका शायद हो जाए इफ़ेक्ट। अगर हस्बैंड ऐसे हैं और कि वो ये समझा रहे हैं खातून खाना को लेकिन वो कहती है मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, मेरा ख्याल है कि जो मर्द हजरात हैं उनकी सुपीरियरिटी अल्लाह ताला ने बरतरी दी है तो वो यही कि ज़रा सिचुएशन को हैंडल करें और देखें कि कहाँ पे उनको समझ में कहाँ मुश्किल है, मे बी उनको कोई ऐसा कोर्स करा दें, उनको किसी डाइटिशियन से एक मुलाकात करवा दें। कई दफ़ा हमारे पास लेके आते हैं जी इनको प्लीज़ समझा दें, तो ये आप करा सकते हैं एक सेशन हमारे साथ करवा दें। अगर मर्द हजरात को जैसे हम सारी डाइटिशियंस हैं लेकिन में से कितने के शोहर जो है वो कितने रिलीजियसली फॉलो करते होंगे लेकिन इट्स अ लाइफ लॉन्ग चेंज, हम हमें खुद आता है हम बैठ के कुछ खा रहे हैं और हम देख रहे हैं तो अच्छा, लेकिन वो देखते हैं कि खुद कितनी है वो है ना कि हिलती भी नहीं मजा ले जो वो चीज़ खा ले तो उसका इफेक्ट होता है इवेंचुअली। फिर आपकी जब आपस में एक तो मियाँ बीवी में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, अगर वो एक दूसरे से बात करते हैं ना कि देखिए मुझे ये मसला मैंने ऐसे किया ये चीज़ अच्छी होती है आज मैंने ये सुनी, हस्बैंड भी इसी तरह बताता है और बीवी भी, तो फिर वो कम्युनिकेशन गैप आहिस्ता आहिस्ता फिर वो खरबूजे बन जाते हैं दोनों, तो इवेंचुअली होता है ओवर द पीरियड ऑफ इट टेक्स टाइम, लेकिन ये थोड़ी सी लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल है, इसमें आपका रिलेशनशिप भी अच्छा होगा घर का माहौल भी अच्छा होगा, काम करना पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी। लाइफ के हर डिसीजन घर में दोनों मिलके ले रहे होते हैं, दिस इज़ ऑल्सो डिसीजन कि क्या खिलाया जाएगा घर में बच्चों को, तो ये एक दिन में ठीक होने वाली बात नहीं है। यस थोड़ी थोड़ी स्ट्रगल है पर मेरा वैसे ही एक जिंदगी को लेके एक कह रहे हैं कि एक तरीका है कि आप जिस चीज़ को हासिल करना चाहो ना अगर दोनों में से एक नहीं भी करा पर उसके कहीं डीप डाउन है ना कि नहीं शायद मैं मैनेज कर सकती हूँ या मे बी मैं पढ़ सकती हूँ, पर अगर आप दोनों एक्टिवली समझने की सोचने की कोशिश करो तो बेशक बेबी स्टेप से पर चीज़ बेहतर हो जाती है।
कासिम भाई ने जो लंच बॉक्स की बात की ना, उसके अंदर बहुत ये मैं क्योंकि लोग हमें सुन रहे हैं, हायर अथॉरिटीज़ को, हेल्थ अथॉरिटीज़ को खासतौर पे ये चीज़ देखनी चाहिए, जिसे स्कूल के अंदर ऑप्शन ही रख देनी चाहिए कि फ्रूट एज अ लंच होगा। जब ये प्रेशर नहीं रहेगा ना बच्चों पे, दूसरा बच्चा क्या लेके आ रहा है, ऑटोमेटिकली बच्चे फिर जब उनको भूख लगेगी तो वो फल की तरफ रिवर्ट करेंगे। मैंने रिसेंटली स्टडी एक पढ़ी और उसके अंदर बाहर अब वो ये कर रहे हैं कि वहाँ पर जहाँ पे सबवे और इस तरह के बाकी जंक फूड के स्टॉल्स होते थे या उनकी शॉप्स नियर बाई थी, वहाँ पर वो फ्रूट शॉप को अपने ऑफिस में जगह दे रहे हैं, सो दैट वो जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो उठें, वो जाके वहाँ से फल खरीदें और वो खाएं। तो ये चीज़ें हायर अथॉरिटीज़ को भी देखनी पड़ेंगी, बिकॉज ज़ाहिर है बच्चों को हम बहुत ज़्यादा समझाते हैं, हम अपने उनके ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको हेल्दी लंच बॉक्स के आइडियाज़ दें, जब वहाँ पर एक हेल्दी चीज़ दूध और फल मिलेगा तो वो खाएंगे क्योंकि और ऑप्शन नहीं है। तो ये चीज़ें हमें इस तरह भी देखनी चाहिए। सबका बहुत बहुत शुक्रिया यमुना, बहुत बहुत शुक्रिया, और यहीं मेरा इख्तिताम करते हैं। इसके बाद बड़ी ज़बरदस्त सी एक बदपरहेजी वाली चाय मौजूद है, उसे इंजॉय करते।